हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट, नेवर स्टॉप लर्निंग। आज से हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके का। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर के बारे में, जिन्हें हम मैप से भी समझेंगे। और ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए, सभी वन डे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स जो हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, जैसे कि बैंक, SSC, रेलवेज, टीचिंग एग्ज़ाम्स, इवन PCS तक के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलो इसको शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे चैनल लर्निंग स्पॉट पे और भी क्रैश कोर्स चल रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज़ चल रही है और गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज़ चल रही है, जिसमें सारी गवर्नमेंट स्कीम को थॉरोली कवर किया गया है बहुत ही शॉर्ट वीडियोज़ में। तो आप उन्हें भी जाके विज़िट करिए। चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारी पहली डेस्टिनेशन है न्यूयॉर्क, USA। सबसे पहले इसको मैप में देख लेते हैं, ये कहाँ है। ये है नॉर्थ अमेरिका का मैप, इसको आप देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका का मैप, और ये है इसमें न्यूयॉर्क। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में है न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, और इन दोनों में ही जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं। पहले न्यूयॉर्क के देख लेते हैं। तो UN, यूनाइटेड नेशंस UN। अब UN की जो अदर बॉडीज़ हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड UNICEF, इसका नाम पहले एमरजेंसी फंड था, इसको रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया है। ओके, यूनाइटेड नेशंस एटॉमिक एनर्जी कमीशन, यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड UNCDF, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA, और नॉन अलाइन मूवमेंट। तो ये तो UN के ही बॉडीज़ हो गई, ये सारी UN की बॉडीज़ हो गई। ओके, तो क्या क्या है इनमें, एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लीजिए। डेवलपमेंट प्रोग्राम, चिल्ड्रंस फंड, एटॉमिक एनर्जी, कैपिटल डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, UN की ये बॉडीज़ हैं। मतलब कि आप देख सकते हैं कि इसमें चिल्ड्रन, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, इनकी बात करी गई है, और उसके साथ में एटॉमिक एनर्जी भी है, और इनके अलावा एक है नॉन अलाइन मूवमेंट, न्यूयॉर्क से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Washington DC USA में किसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे आपको, पहला है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन NASA, ठीक है, और चौथा है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों स्पेस से रिलेटेड है, सैटेलाइट और स्पेस रिलेटेड है, दोनों ही Washington DC में है, और एक वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों ही कुछ मनी से रिलेटेड लग रहे हैं, ये दोनों भी Washington DC में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड कहाँ है, यूरोप में एक लैंडलॉक कंट्री है। स्विट्ज़रलैंड में आपको बहुत सारे हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे, क्यों, क्योंकि एक स्टेबल कंट्री है, एक डेवलप्ड कंट्री है, स्टेबल कंट्री है, तो यहाँ पर हमको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। उनमें भी जेनेवा में, खास करके जेनेवा में ही देखिए, ये पूरे आपको जेनेवा में ही देखने को मिलेंगे। तो पहले पन्ने पर जो मैंने रखे हैं वो सब वर्ड से शुरू होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी ख़त्म होते हैं, एक को छोड़ के, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को छोड़ के। और ये जो, इसको याद रखने की एक तो यही ट्रिक है कि वर्ड से शुरू होकर ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म हो रहे हैं वर्ड, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा एक दो एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि एक है वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको देखने को मिलेगा मैड्रिड स्पेन में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको स्पेन में देखने को मिलेगा। टूरिज़्म से आप स्पेन को याद रखिए बस। यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी यही हो गया, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट जो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही नेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो इनमें भी आप कीवर्ड याद रखिए, जैसे कि लेबर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन,
यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। दो तो आपको यूरोपियन फ्री ट्रेड, यूरोपियन फ्री ट्रेड मतलब यूरोप की बात हो रही तो स्विट्जरलैंड में ही होगा, यूरोपियन फ्री ट्रेड और यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड से आपको ये दोनों याद रखने हैं जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। और आपको माइग्रेशन, ये कुछ कीवर्ड दिख रहे हैं जैसे माइग्रेशन, रिफ्यूजी, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं उन्हें ही हम रिफ्यूजी बोलते हैं। अब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ किसका काम करेंगे, लेबर का काम करेंगे, और ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, डिज़ास्टर होगा, है ना। तो आप ये कुछ कीवर्ड याद रखिए जैसे कि रिफ्यूजी, माइग्रेशन, लेबर, डिज़ास्टर रिडक्शन, ये सब इनके हेडक्वार्टर्स भी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। अब बचा क्या, एक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अब इतने सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेट करने का भी कुछ मीडियम होना चाहिए, बस आप इनको कैसे भी लिंक करके याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो इसको मैप में एक बार देख लेते हैं, ये स्विट्ज़रलैंड का मैप है, देखिए ये कैसी यूरोपियन कंट्री है, कैसी कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब ये चारों ओर लैंड से अपनी बाउंड्री टच करती है। इसके एक साइड है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और हाँ बस फ्रांस इतने ही है, ठीक है। अब इसमें जेनेवा आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये रहा जेनेवा, लेक जेनेवा के पास में ये आपको जेनेवा देखने को मिलता है। और इसकी कुछ अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़ भी हैं जैसे लोसाने, बर्न, ज्योरिक, ठीक है। इन्हें हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर किन किन के हेडक्वार्टर्स हैं। चलिए बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, BIS जिसको बोलते हैं, ये कहाँ है, बेसल स्विट्ज़रलैंड में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU, बर्न स्विट्ज़रलैंड। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल FIFA, FIFA का हेडक्वार्टर कहाँ दिखेगा, कहाँ मिलेगा हमें, ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोसाने स्विट्ज़रलैंड। हॉकी फेडरेशन लोसाने स्विट्ज़रलैंड। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर को कंजर्व करने के लिए जो IUCN है उसका हेडक्वार्टर हमें ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलेगा। IUCN क्या काम करता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO लोसाने स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो इसमें से ये किससे रिलेटेड है मेनली, आप कीवर्ड ध्यान रखिए बस, जैसे ओलंपिक कमेटी हो गई, हॉकी फेडरेशन हो गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO हो गया, ये सब लोसाने स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बेसल में है, पोस्टल यूनियन बर्न में है, फुटबॉल का हेडक्वार्टर FIFA फुटबॉल फुटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, लंदन UK, लंदन में हमें किसके किसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। पहला है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट या EBRD, दूसरा है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन या IMO, तीसरा है एमनेस्टी इंटरनेशनल, चौथा है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, और पांचवा है इंटरनेशनल मोबाइल सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन या IMSO। चलिए इसको मैप में देख लेते हैं, ये है, ये आपको अटलांटिक ओशन और नॉर्थ सी के बीच में ये आपको यूनाइटेड किंगडम देखने को मिलेगा, और उसमें ये आपको यहाँ पर लंदन देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो पेरिस फ्रांस की, पेरिस फ्रांस में किसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं हमें, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन या UNESCO, दूसरा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोप की स्पेस एजेंसी जो है यूरोपियन यूनियन की, तो उसका हेडक्वार्टर भी हमें पेरिस फ्रांस में देखने को मिलता है, और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट या OECD, इसका हेडक्वार्टर भी हमें पेरिस फ्रांस में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ तो इसे फ्रांस को हम मैप में देख लेते हैं, ये है फ्रांस का मैप, ये इटली है, ये स्विट्ज़रलैंड है, ये जर्मनी है,
और ये इसमें कंट्री दिख रही है नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। कभी भी आप कोई मैप देखिए तो उसमें आसपास की कंट्रीज ज़रूर देखा करिए। अब देखिए यहाँ पे फ्रांस और यूके के बीच में इंग्लिश चैनल मिलता है। अभी जैसे हमने लंदन के मैप में देखा था, ये है पेरिस। यहाँ पे हमें किसके किसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं, यूनेस्को का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और OECD या ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का। चलिए आगे देखते हैं, वियना ऑस्ट्रिया। वियना भी एक सिटी है ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया भी एक यूरोपियन कंट्री ही है। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का हेडक्वार्टर। ड्रग एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इन सब के हेडक्वार्टर हमें वियना ऑस्ट्रिया में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है रोम या इटली। रोम जो एक इटली की एक सिटी है, वहाँ पर हमें किसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं, और ये क्वेश्चंस तो बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो ये जितने भी फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, इन तीनों के हेडक्वार्टर्स हमें रोम इटली में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए इन्हें मैप में देख लेते हैं। ये यूरोप का मैप है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये रहा रोम। ठीक है, इटली, ये इटली है और ये इसकी कैपिटल सिटी जो है रोम। इसमें आपको ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया दिख रहा है, ये रही इसकी सिटी वियना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो भी हेडक्वार्टर्स हैं उनको हमने एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिया है, क्योंकि एक जगह पर एक या दो ही थे। तो यहाँ पर है जैसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मॉन्ट्रियल क्यूबेक में सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में। हमने पहले नॉर्थ अमेरिका वाले मैप में देखा था। नेक्स्ट है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नाटो। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ब्रसल्स बेल्जियम में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द ही नीदरलैंड्स में। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मैड्रिड स्पेन। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स के प्रोहिबिशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर भी आपको हेग नीदरलैंड्स में मिलेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये दोनों आपको हेग नीदरलैंड्स में ही देखने को मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे बेल्जियम, नीदरलैंड्स, स्पेन, इन सब की बात करी। इन्हें आप एक बार मैप में ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पॉज करके मैप में इन्हें आराम से देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक फ्रैंकफर्ट जर्मनी। रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी RFSA, रॉसकॉस्मोस मॉस्को, इसको हम रॉसकॉस्मोस भी बोलते हैं, मॉस्को रशिया में। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ब्रसल्स बेल्जियम में। द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मॉस्को रशिया में। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला फिलीपींस में। अच्छा, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये सभी एशियन कंट्रीज़ ही हैं। ठीक है, इनको हम अलग मैप पे देखेंगे अभी। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA, इसका हेडक्वार्टर कहाँ हम देखने को मिलेगा, टोक्यो जापान में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में। नेक्स्ट है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन का, इसका हेडक्वार्टर भी आपको कुआलालंपुर मलेशिया में ही देखने को मिलेगा। तो बैडमिंटन हो या फिर एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन हो, फीफा का तो हमने ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में देखा था, लेकिन एशियन फुटबॉल का हमें कुआलालंपुर मलेशिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एसोसिएशन जो है, जिसे आसियान बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर हमें जकार्ता इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन APEC का हेडक्वार्टर सिंगापुर में देखने को मिलेगा। चलिए ये देखिए, ये जो मैप है यहाँ पे आपको साउथ ईस्ट
एशियन कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी, जैसे मनीला फिलीपींस हो गया, ये जकार्ता इंडोनेशिया हो गया, कुआलालंपुर मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ठीक है। तो इस मैप में आप इसको पॉज करके आराम से सारी लोकेशंस को देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ चाइना में जो है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर न्यू डेवलपमेंट मैन शंघाई चाइना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB बेजिंग चाइना, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या CNSA जो वहाँ की स्पेस एजेंसी है चाइना की, बीजिंग चाइना, इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी बीजिंग चाइना में देखने को मिलेगा हमें। यह है चाइना का मैप, ये देखिए, यह है बीजिंग और ये शंघाई, ठीक है। यही दो ही जगह हमें इनके सारे हेडक्वार्टर्स देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है सार्क, ठीक है। सार्क का हेडक्वार्टर, सार्क जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज़ का ग्रुप है, तो उसका हेडक्वार्टर भी हमें काठमांडू नेपाल में ही देखने को मिलेगा। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन या बिम्सटेक का हेडक्वार्टर भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, ढाका बांग्लादेश में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IREA, इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है अबू धाबी UAE में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या ICC का हेडक्वार्टर दुबई UAE में। नेक्स्ट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो का हेडक्वार्टर तो हम सभी जानते ही हैं, बेंगलोर इंडिया में है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये गुरुग्राम हरियाणा में, ये एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हमें इंडिया में देखने को मिलता है। ये देखिए एशिया का मैप है, इसमें आप नेपाल, काठमांडू, इंडिया में बेंगलोरु, बांग्लादेश में ढाका, चाइना का बीजिंग, शंघाई, ठीक है, ये सब आप इसमें देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल या PSC का हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है एडिस अबाबा, ये कहाँ है, ये अफ्रीकन कंट्री है एक, ठीक है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक या IDB का हेडक्वार्टर जेद्दा सऊदी अरबिया। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम या UN हैबिटेट का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम या UNEP, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी केन्या में। ये देखिए इसको मैप में देखिए, ये रहा आदिस अबाबा जो इथोपिया की कैपिटल है, जो एक अफ्रीकन कंट्री है, और इसके नीचे आप देखेंगे केन्या की कैपिटल क्या है, नैरोबी। यहाँ पे हमें दो हेडक्वार्टर्स देखे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पॉट, नेवर स्टॉप लर्निंग। स्टैटिक जीके के पार्ट टू में आज हम देखेंगे वेरियस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, कौन कौन सी इंडेक्सेस पब्लिश करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम पार्ट टू ला चुके हैं जिसमें हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो इससे पहले आप वो देख लीजिए। चलिए पार्ट टू में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए लर्निंग स्पॉट के नाम से, और हमें आप वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट GEP, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स। इनमें से इम्पॉर्टेंट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स। नेक्स्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट
वर्ल्ड बैंक की ही एक पार्ट है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसके द्वारा पब्लिश करी जाती है। वर्ल्ड बैंक के दो पार्ट हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। तो मेनली IBRD के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF के द्वारा कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है, वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। दोनों ही रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें जो भी रैंकिंग है इंडिया की और वर्ल्ड में कौन टॉप कर रहा है, इसके लिए हम अलग से करंट अफेयर्स की वीडियो में एक वीडियो लेकर के आएंगे। अब क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है, ये स्टैटिक सीरीज़ का पार्ट है, इसलिए हम इसमें सिर्फ वही कवर करेंगे जो चेंज नहीं होगा। रिपोर्ट तो हर साल बदलती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन सब के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ये सब हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करी जाती हैं, जैसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडेक्स, एंगेजिंग टुमारो कंज्यूमर रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इनमें से अगर हम बात करें कि इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, तो वो हो जाती हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, सॉरी कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पब्लिश करी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या UNDP के द्वारा कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है, तो वो है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये तीनों ही रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO, इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटिव और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है यूनेस्को, यूनेस्को या जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा रिपोर्ट्स पब्लिश करी जाती हैं, वह है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट एंड जेंडर पैरिटी इंडेक्स। नेक्स्ट है यूनिसेफ या फिर यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, जो कि अब चिल्ड्रंस फंड भी है, इसको एमरजेंसी को अब हटा दिया गया है। इसके द्वारा पब्लिश करा जाता है रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम या UNEP, UNEP के द्वारा पब्लिश करी जाती है ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक एमिशन गैप रिपोर्ट, एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, ग्लोबल ट्रेंड इन रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स UNODC, इसके द्वारा पब्लिश करी जाता है वर्ल्ड ड्रग और रिपोर्ट एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन। आगे देखते हैं, आगे है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है UNCTAD जिसे बोलते हैं, इसके द्वारा पब्लिश करी जाती है रिपोर्ट, जैसे कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट इंफॉर्मेशन, इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, द लास्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, सॉरी द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, ओके। उसके बाद है UN Habitat के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है वह वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट हैबिटेट कमिटमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट बात करें तो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा पब्लिश करा जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा पब्लिश करी जा रही है, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। नेक्स्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या शॉर्ट फॉर्म में ILO भी बोलते हैं, इसके द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक वर्ल्ड वर्क रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। इसकी ग्लोबल वेज रिपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक वर्ल्ड वर्क रिपोर्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा पब्लिश करी जाती है एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट,
World Health Statistics World Tuberculosis Report. ओके आगे देखते हैं. यू इनहैबिटेड के द्वारा एक और रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है, वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट हैबिटेट कमिटमेंट इंडेक्स. ओके नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या शॉर्ट फॉर्म में जिसे बोलते हैं रिपो. रिपो के द्वारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है. नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके द्वारा पब्लिश करी जाती है ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है इनसीड, ये एक यूनिवर्सिटी है, एक इंस्टीट्यूशन है. नेक्स्ट है और वीपो एंड कॉर्नल यूनिवर्सिटी तीनों के साथ मिल के पब्लिश करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है. ठीक है नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या यूएनडीपी. यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश करी जाती है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं. नेक्स्ट यूएन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या यूएनओ, यूएनओ के द्वारा पब्लिश करी जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट. ओके नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इसके द्वारा पब्लिश करते हैं वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट. नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग DIPP एंड CII, ये इंडिया की है, तो ये इसके द्वारा पब्लिश करते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स. नेक्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या RBI के द्वारा पब्लिश करी जाने वाली रिपोर्ट कौन कौन सी हैं, इंटरनेशनल सबवेंशन रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, क्वार्टरली स्टैटिस्टिक्स ऑन डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया. नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, इसके द्वारा पब्लिश करते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा पब्लिश करा जाता है ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं. नेक्स्ट है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा पब्लिश करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इस सब का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है. नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, इसके द्वारा पब्लिश करते हैं ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है. नेक्स्ट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इनके द्वारा पब्लिश करी जाती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके द्वारा पब्लिश करते हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट. नेक्स्ट नीति आयोग के द्वारा पब्लिश करी जाने वाली रिपोर्ट्स इंडेक्सेस और रिपोर्ट हैं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स एंड हेल्थ इंडेक्स स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट. नेक्स्ट यूनेस्को के द्वारा पब्लिश करी जाती है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर इंडेक्स यूनेस्को साइंस रिपोर्ट. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन OECD, इसके द्वारा पब्लिश करते हैं द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट. नेक्स्ट जो रिपोर्ट है द राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम रिपोर्ट, ये पब्लिश करी जाती है यूनिप एंड इंटरपोल के साथ मिलके. नेक्स्ट है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये पब्लिश करता है इंटरनेट रेडीनेस इंडेक्स. नेक्स्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो पब्लिश करती है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, ये रिपीट हो गई है. ओके ये नीति आयोग और ये दोनों रिपीट हो गई हैं. चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही. आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इसी तरीके हमारे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पॉट. स्टैटिक GK के इस सीरीज़ में आज हमारा Part 3 है और जिसमें हम देखेंगे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भारत में या इंडिया में कौन कौन सी हैं. इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो अभी देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए. चलिए शुरू करते हैं. इंडिया में यूनेस्को के द्वारा जो मान्यता प्राप्त वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो हैं टोटल 38. ठीक है 38 हैं.
और इस इनको जो है तीन पार्ट्स में बांटा गया है, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। कल्चरल हेरिटेज साइट्स जो कि 30 हैं, नेचुरल जो कि 7 है और मिक्स्ड यानी कि जो इन दोनों की कैटेगरीज की है वो है 1। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, वो है कि जो अब आने वाले टाइम में मतलब इंडिया के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो लिस्ट में यूनेस्को के द्वारा ऐड करने वाले हैं उनको हम लोग बोलते हैं टेंटेटिव लिस्ट, जिनको आगे ऐड किया जा सकता है तो उनको हम बोलते हैं टेंटेटिव लिस्ट। उसमें जो है वो 48 साइट्स को रखा गया है और फिलहाल इसमें रिसेंटली मई में ही 6 साइट्स को ऐड करा गया था और इसकी न्यूज़ हमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा भी दी गई थी। और ये कौन कौन सी हैं आप इसमें देख सकते हैं इस पिक्चर में, सतपुरा टाइगर रिजर्व, आइकॉनिक रिवर फ्रंट ऑफ द हिस्टोरिक सिटी ऑफ वाराणसी, हायर बेंगल मेगालिथ साइट, सीरियल नॉमिनेशन ऑफ मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र, भेड़ाघाट नर्मदा वैली जबलपुर का भेड़ाघाट और टेम्पल्स ऑफ कांचीवरम। ये 6 साइट्स को रिसेंटली जो है वो टेंटेटिव लिस्ट में ऐड करा गया था। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अभी इंक्लूड नहीं किया गया, टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड है, ठीक है। और भारत जो है, इंडिया जो है वो विश्व का छठे प्लेस पे आने वाला कंट्री है जहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सबसे ज़्यादा हैं। और अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमें मिलेंगी चाइना में, ओके। चलिए अब हम भारत में जो अलग अलग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं तो वो जिस सीक्वेंस में बनी हैं हम उस सीक्वेंस में उनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1983 में ये 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करी गई। वो कौन कौन सी हैं, आगरा फोर्ट, अजंता केव्स, एलोरा केव्स और ताजमहल। आगरा फोर्ट नाम से ही आप समझ जाएंगे, आगरा न्यू दिल्ली में है। कब बना, 1983 में 4 बनी पहली बार, ठीक है। अजंता केव्स महाराष्ट्र में, आपने ज़रूर सुना होगा इनका नाम, अजंता, एलोरा केव्स ये भी महाराष्ट्र में और ताजमहल आगरा में। मतलब पहली बार में जब 1983 में बनाया गया, 1983 आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 1983 आ रहा है, दो जगह, एक आगरा और एक महाराष्ट्र, मतलब दो जगह ये साइट्स डिक्लेयर हुई और 4 साइट्स थी, 2, 3, 4 करके ऐसे करके आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट 1984 में 2 साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया इंडिया में, एक है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, इनको हम लास्ट में मैप में भी देखेंगे, तमिलनाडु में है जो कि, और सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में है। नेक्स्ट 1986 में गोवा की चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया। आगे बढ़ते नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी को भी 1986 में एक चर्च एंड कॉन्वेंट्स को 1986 में, फतेहपुर सीकरी को 1986 में, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी 1986, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स 1986। मतलब 1986 में फिर से 4 साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया। इसमें से चर्च एंड कॉन्वेंट्स कहाँ हैं, गोवा में है, फतेहपुर सीकरी यूपी में, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटक में, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स मध्य प्रदेश में। ये जो साइट्स हैं इनके नाम इतने फेमस हैं आपने ज़रूर ही सुने होंगे कि ये कहाँ हैं, ठीक है। एक बार इनको मैप में देख लेंगे लास्ट में तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 1987 में 3 साइट्स बनाई, एलिफेंटा केव्स, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टादकल, ठीक है। तो एलिफेंटा केव्स फिर से महाराष्ट्र में, इससे पहले हमने देखा था अजंता और एलोरा केव्स जो 1984 में बनी थी वो भी महाराष्ट्र में थी, एलिफेंटा केव्स ये भी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स जो हैं 1987 में, ये तमिलनाडु में, इससे पहले हमने महाबलीपुरम वाले टेम्पल्स देखे, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम वो भी तमिलनाडु में था, ठीक है। और उसके बाद ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टादकल 1987 में बना, ये कर्नाटक में है। और इसके बाद 1989 में, दो साल तक कुछ नहीं, 1989 में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची में जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है उनको
वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया, ये कहाँ है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट 1993 में हुमायूंस टॉम्ब को, जो कि दिल्ली में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा। और इसके साथ ही कुतुब मीनार और इसके साथ जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया, ये भी दिल्ली में। और इसके बाद माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, जो कि अलग अलग जगह पर है, कहाँ है, दार्जिलिंग हिमालयन, दार्जिलिंग में हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, ठीक है। तो ये तीन जगह तीन समय में इनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया। नेक्स्ट महाबोधि टेम्पल्स कॉम्प्लेक्स 2000 में बोधगया में बिहार में जो है इनको 2000 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। इसके बाद रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, जो पहाड़ों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं, उन्हें 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया, ये कहाँ है, भीमबेटका, एमपी, मध्य प्रदेश में। इसके बाद चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना, ये कहाँ है, गुजरात में। नेक्स्ट छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, और इसको पहले बोलते थे विक्टोरिया टर्मिनस भी बोलते थे इसको, आपने ज़रूर देखा होगा मुंबई में जो वहाँ का स्टेशन है, जो वहाँ का मेन स्टेशन है वही है ये मुंबई। उसके बाद नेक्स्ट है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली। इसके बाद जंतर मंतर 2010 में, जो कि जयपुर में है, इसे जंतर मंतर, ये जयपुर वाला 2010 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया। इसके बाद हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान 2013 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया, ये भी राजस्थान में है। नेक्स्ट रानी की वाव 2014 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया, रानी की वाव कहाँ है ये, पाटन गुजरात में। नेक्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा में जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिली हैं महाविहार में, और इन्हें 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया, ये कहाँ है, नालंदा बिहार में। इसके बाद द आर्किटेक्चुरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुसियर द कॉम्प्लेक्स टू कैपिटल, इसे ये चंडीगढ़ में है और इसे 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया। नेक्स्ट हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद की हिस्टोरिक सिटी को 2017 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा, ये कहाँ है, गुजरात में है। विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई, इन्हें 2018 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके बाद जयपुर सिटी को भी 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया, ये राजस्थान में है। इससे पहले हमने देखा अहमदाबाद को, ठीक है, अहमदाबाद को और जयपुर सिटी, इन दोनों को, ऐसी जो सिटीज़ हैं जिनको पूरी ये सिटीज़ हैं जिनको हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो हमारे यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं, तो ये जो सात नेचुरल साइट्स हैं इनके बारे में देखते हैं। तो पहले ये काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 में, ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, आसाम में है। केवलादेव नेशनल पार्क, ये भी 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना, और ये है राजस्थान में। इसके बाद मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 आसाम, ठीक है। तो 1985 में ही तीन ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुई इंडिया में, और इसमें से दो आसाम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, और एक केवलादेव जो कि राजस्थान में है। इसके बाद 1987 में सुंदरबंस नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया, जो कि कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। इसके बाद आते हैं, तो 1988 और 2005 में, दो समय में नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, इन दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया, ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। नंदा देवी पीक हमें उत्तराखंड में देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद वेस्टर्न घाट को 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया, और वेस्टर्न घाट जो है, अभी आपको इंडिया के मैप में दिखाते हैं, ये देखिए, ये पूरा वेस्टर्न घाट है, ठीक है, ये कोस्टल एरिया, वेस्ट साइड भी कोस्टल एरिया से लगा हुआ पूरा वेस्टर्न घाट है। तो इसको 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा, और इसमें क्या क्या था, इसमें क्या है, इसमें केरला है, ठीक है,
इसमें इसमें केरला आता है, इसमें तमिलनाडु आता है, इसमें कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब का थोड़ा थोड़ा पार्ट आता है, ठीक है, इन सब का वेस्टर्न पार्ट आएगा। इसके बाद ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया को भी 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया, जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, आपको हिमाचल प्रदेश के नाम से याद रखना है, ये हिमालयन नेशनल पार्क है, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो मिक्स्ड की कैटेगरी में आती है वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क, और इसे 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया। इसके बाद आप इन सभी साइट्स को इस मैप में भी देख सकते हैं, ठीक है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, कैपिटोल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स हुमायूं टॉम, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स सब दिल्ली में है। इसके बाद कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, और यहाँ जाते हैं बिहार में, तो बिहार में हमें नालंदा देखने को मिलेगा, वेस्ट और बोधगया, नालंदा और बोधगया। इसके बाद वेस्ट बंगाल में सुंदरबन, ठीक है। इसके बाद आते हैं तो यहाँ राजस्थान में हमें केवलादेव नेशनल पार्क देखने को मिलता है, और जयपुर देखने को मिलता है, ठीक है, जयपुर और जंतर मंतर। और इसके अलावा यहाँ आगरा में, यूपी में आ जाएँ तो यूपी में आगरा फोर्ट, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, अलग से भी पूछा जा सकता है, जैसे यूपी के स्पेसिफिक एग्जाम्स हैं कि यूपी में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो ऐसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट गुजरात में अगर देखें तो रानी की वाव, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, और इसके अलावा पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट है, ठीक है। और इसके अलावा राजस्थान में जो है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान है, ये फोर्ट्स हैं कुछ, उनके नाम दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आ जाए तो एमपी में आ जाए तो सांची का स्तूप है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका है, ठीक है। महाराष्ट्र में आते हैं तो अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, और इसके साथ ही वेस्टर्न घाट का भी पार्ट है ये। और इसके बाद गोवा में देखें तो चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, ओके। नेक्स्ट कर्नाटक में आ जाए तो हम्पी, पट्टदकल। तमिलनाडु में देखें तो महाबलीपुरम और चोला टेम्पल्स, ठीक है। अगर हम एक चीज़ देखें तो यहाँ ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिनमें कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये सब हम मैप के थ्रू याद रख सकते हैं, और क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आप इसे और अच्छे से देखिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट। स्टैटिक जीके में आज हमारा पार्ट 4 है, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डैम्स इन इंडिया, मतलब भारत में जो भी महत्वपूर्ण बांध हैं, परियोजनाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, और वो कौन से राज्य में है, कौन सी नदी पर है, ठीक है, इसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं इस सीरीज़ में। पहले पार्ट में हमने करा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में, और दूसरे पार्ट में हमने करा था वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, और तीसरे पार्ट में हमने देखा था यूनेस्को में, यूनेस्को के द्वारा भारत में जो भी मान्यता प्राप्त वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये सभी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, और इसके अलावा भी हमारे चैनल पे बैंकिंग MCQs से रिलेटेड और डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोज़ आ रहे हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले केरला, स्टेट है केरला, डैम का नाम यहाँ पे लिखा है, और ये है रिवर, ये कौन सी रिवर या नदी पर है। केरला में हमें कुछ डैम्स देखने को मिलेंगे, जैसे इडुक्की डैम। इडुक्की डैम किस नदी पे है, पेरियार रिवर पे।
मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, तो पेरियार मुल्ला पेरियार से पेरियार रिवर तो आपको याद हो ही जाएगी। अक्सर इसमें क्वेश्चन या तो इस फॉर्म में पूछे जाते हैं कि ये जो भी डैम है वो किस स्टेट में है, और या फिर डैम कोई दे देंगे ये वो किस रिवर पे है, ठीक है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है केरला में इडुक्की डैम, मुल्ला पेरियार डैम, पीची डैम, चेरुथोनी डैम और कुलमावु डैम है। अब देखिए ये कौन कौन सी रिवर्स पे हैं, तो इडुक्की और मुल्ला पेरियार दोनों पेरियार रिवर पे हैं, पीची डैम मनाली पीची पर है, चेरुथोनी डैम चेरुथोनी रिवर पे है, कुलमावु डैम कलियार रिवर पे है। तो के ये ऐसे मैच कर रहा है, चेरुथोनी अब सेम है, पीची डैम आपको याद रखना पड़ेगा, मनाली बाकी तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट तमिलनाडु, नेक्स्ट स्टेट है तमिलनाडु, तमिलनाडु में मेत्तूर डैम किस नदी पे है, कावेरी नदी पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भवानी सागर डैम भवानी नदी पर, वेंगई डैम वेंगई नदी पे, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है और आसान भी है इन्हें याद करना, मेत्तूर कावेरी याद रखिए, भवानी सागर भवानी नदी पे, वेंगई वेंगई नदी पे। नेक्स्ट है तेलंगाना, तेलंगाना में श्रीसैलम डैम, श्रीसैलम किस में है, कृष्णा, श्री कृष्णा से आप इसको याद करिए रखें, श्री कृष्णा कृष्णा नदी पे, ठीक है। नेक्स्ट है निजाम सागर डैम, निजाम सागर मंजिरा नदी पे है, और मंजिरा और प्राणहिता ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट नदियां हैं, ये किनकी ट्रिब्यूटरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद रामगुंडम डैम गोदावरी नदी पे, और श्री राम सागर डैम गोदावरी नदी पे। तो राम श्री राम और रामगुंडम दोनों राम से जो रिलेटेड हैं वो दोनों गोदावरी पर है, और श्रीसैलम कृष्णा नदी पे है। श्री में सैलम अगर लगा है, श्री सैलम है तो वो कृष्णा नदी पर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा। और जो रामगुंडम और श्री राम सागर करके हैं वो दोनों गोदावरी नदी पे हैं। इसके बाद सिंगूर डैम मंजिरा नदी पे, तो मंजिरा पे दो हो गए, निजाम सागर और सिंगूर, निजाम सागर सिंगूर दोनों मंजिरा पे हैं। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटका, कर्नाटका में कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, कौन कौन से हैं, कृष्णा राजा सागर डैम ये किस नदी पे है, कावेरी नदी पे। इससे पहले हमने कावेरी पर देखा जो कि कहाँ था, तमिलनाडु में था, मेत्तूर डैम, तमिलनाडु मेत्तूर और कावेरी। इसके बाद हमने कर्नाटक में देखा कृष्ण राजा सागर डैम कावेरी पे, ठीक है, दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी पर है, पनी विलासा डैम वेदावती पे है, और इसके बाद सुपा डैम काली नदी पे, हेमावती डैम हेमावती नदी पे, अलमत्ती डैम कृष्णा नदी पे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आंध्र प्रदेश में कौन कौन से डैम देखने को मिलेंगे हमें, तो वो है नागार्जुन सागर डैम कृष्णा, नागार्जुन कृष्णा, कृष्ण नाग, नाग कृष्ण जी को सब जानते हैं कि उन्होंने शेषनाग के सिर पे, जब यमुना नदी में शेषनाग के सिर पे खड़े होकर बंसी बजाई थी, तो उससे आप नाग और कृष्ण को रिलेट करके याद रखिए। पोलावरम, और ये है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, पोलावरम डैम गोदावरी, जालपुत्र डैम मच्छकुंड, जाल मछली पकड़ने के लिए जैसे जाला डाला जाता है ना, तो इस तरीके से आप कुछ भी ट्रिक्स बना के इनको याद रखिए, ये एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनेंगे, ये इस टाइप के फैक्ट टाइप की चीज़ें हैं, ये आपसे पीसेस तक एग्ज़ाम में भी डायरेक्ट मैचिंग में पूछा जा सकता है। सोमासिला डैम पेन्नार रिवर, सोमासिला पेन्नार रिवर, आंध्र प्रदेश के चार हो गए, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, पोलावरम गोदावरी नदी, जालपुट मच्छकुंड और सोमासिला डैम पेन्नार रिवर। इसके बाद आते हैं तो उड़ीसा स्टेट में आ जाते हैं, तो उड़ीसा में हमें कौन कौन से डैम्स देखने को मिलते हैं, पहला है हीराकुंड डैम जो कि लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का, ये है महानदी रिवर पे, हीराकुंड महानदी आपने ज़रूर सुना होगा, हीरा कुंड महानदी, हीरा और कुंड कुछ महान सा फीलिंग आ रहा है, तो ये महानदी पर है। नेक्स्ट इंद्रावती महानदी से रिलेट करके याद रखिए, नेक्स्ट इंद्रावती डैम इंद्रावती पे ही है। उसके बाद कपूर डैम कपूर नदी, रेंगाली डैम ब्राह्मणी पे, मंदिरा डैम संख नदी पे, मंदिरा डैम संख
मुरन डैम मुरन पे, तो मुरन मुरन हो गया, मंदिरा संख रेंगाली ब्राह्मणी, रेंगाली को ब्राह्मणी से आपको याद रखना पड़ेगा कुछ भी बनाकर, ओके। नेक्स्ट आते हैं वेस्ट बंगाल पे, वेस्ट बंगाल में मुकुट मणिपुर डैम कंगसबती नदी पे, उसके बाद फरक्का बैराज है जो कि गंगा नदी पर है। फरक्का बैराज के बाद ही गंगा नदी जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और इसके बाद झारखंड में आते हैं, तो झारखंड में मैथोन डैम बराकर नदी पे, पंचेर डैम दामोदर पे, चांदल डैम सुबर्णरेखा नदी पे और तेनूघाट डैम दामोदर पे। इनमें से अगर कोई भी डैम या कोई भी रिवर का कोई एरिया अगर न्यूज़ में रहता है तो उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए आपको डेली जो न्यूज़ फॉलो करनी, तो उसमें देखना है अगर कहीं भी इनसे रिलेटेड कोई टर्म आ रहे हैं, कोई न्यूज़ आ रही है, तो आप उनको अच्छे से याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश MP में बरगी डैम नर्मदा नदी पे, बरगी नर्मदा, मानसागर डैम सोन नदी पे, गांधी सागर डैम चंबल नदी पे और मधिखेड़ा डैम सिंध पे, तवा डैम तवा रिवर पे। नेक्स्ट इंदिरा सागर डैम नर्मदा रिवर पे, नर्मदा रिवर पे कौन कौन से, बरगी डैम और इंदिरा सागर डैम दो हो गए, ठीक है। उसके बाद बनसागर सोन नदी पे, गांधी सागर डैम चंबल नदी पर और मधिखेड़ा डैम सिंध नदी पे, तो इनको आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। इसके बाद बिहार स्टेट में आते हैं, तो बिहार में हमें देखने को मिलेगा दुर्गावती डैम जो दुर्गावती रिवर पे है, चंदन डैम चंदन रिवर पे और नागी डैम नागी पे। तो ये आसान है, इनको आप बस ये याद रखिए कि बिहार में ये सब ये तीनों डैम मिलते हैं, क्योंकि इसमें रिवर तो पूछी नहीं जाएगी, बिहार में है दुर्गावती। आते हैं महाराष्ट्र स्टेट पे, महाराष्ट्र में कोयना डैम कोयना नदी पे, जायकवाड़ी डैम गोदावरी नदी पे, तोतलाडोर डैम पेंच नदी पे, विल्सन डैम प्रावरा नदी पे, वैतरणा डैम वैतरणा नदी पे, भातसा डैम भातसा नदी पे, मोरबे डैम धारावी पे सॉरी धावरी, मुलसी डैम मूला नदी पे, पावना डैम पावना नदी पे, पंचेर डैम अम्बी नदी पर, ईशापुर डैम पेन गंगा पे और उसके बाद उज्जैनी डैम भीमा नदी पर है, ठीक है। इसके बाद आते हैं गोवा, गोवा स्टेट में सलालिम डैम सलालिम रिवर पे, अंजुनेम टीरी डैम कोस्टी नदी पर और इसके बाद आता है गुजरात स्टेट, गुजरात में सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पे। ये तो आप सभी ने सुना होगा क्योंकि इतना न्यूज़ में रहा है। कंदना डैम माही नदी पे, दंतीवाड़ा बनास नदी पर, कमलेश्वर डैम हीरान नदी पे, उकाई डैम तापी नदी पे, धरोई डैम साबरमती रिवर पे और वेलिंगटन डैम कालवा पे, धोलीजाहा डैम भोगावो रिवर पे, ठीक है। तो गोवा में दो डैम्स देखने को मिले हमें, सालयुलिम और अंजुनेम खीरी। उसके बाद गुजरात में हमने कई देखे जैसे सरदार सरोवर, कंदना डैम, दंतीवाड़ा, कमलेश्वर, उकाई, धरोई, वेलिंगटन और धोलियाजा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में हमें पंदोह डैम देखने को मिलता है ब्यास नदी पर, चमेरा डैम रावी नदी पे, बरोत डैम उल नदी पे और इसके बाद भाखरा नागल सतलज नदी पे, कोलदाम डैम सतलज नदी पर और नाथपा झाकरी डैम भी सतलज नदी पर। इसके बाद महाराणा प्रताप सागर डैम ब्यास पे, तो ब्यास रिवर पर हमें दो देखने को मिले, पंदोह और महाराणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। महाराणा प्रताप सागर डैम हिमाचल प्रदेश में हमें याद रखना है और ये ब्यास नदी पे है। और इसके बाद सतलज रिवर पे तीन है, भाखरा नांगल और कोलडाम, इसके साथ नाथपा झाकरी, ठीक है। नाथपा झाकरी वो जगह है जहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद बरोत डैम उल नदी पे और चमेरा डैम रावी नदी पे, ठीक है। इसके बाद आते हैं पंजाब में, तो पंजाब में भाखरा नांगल ऐसा है जो हिमाचल और पंजाब दोनों में आता है इसका हिस्सा, तो ये भाखरा नांगल सतलज नदी पर, रणजीत सागर डैम रावी नदी पे, सिसवान डैम सिसवान नदी पर और दमसल डैम दमसल रिवर पे। नेक्स्ट आते हैं
छत्तीसगढ़ स्टेट में, छत्तीसगढ़ में गैंगरेल डैम महानदी में, मुर्रमसिल्ली डैम सिल्लरी नदी पे, कुटाघाट डैम खारंग रिवर पे, और हस्तियो बांगो डैम हस्तियो रिवर पे, तंदुला डैम तंदुला रिवर पे, खुड़िया डैम सोम रिवर पे, दुधवा डैम महानदी पे, राबो डैम कुरकुट नदी पर, और इसके साथ इसके बाद सोंदूर डैम सोंदूर रिवर पे, और खेरकट्टा डैम मथोली रिवर पे। ठीक है, इसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग डैम दिबांग रिवर पे, रंगनदी डैम रंगनदी रिवर पे, और सुबनसिरी डैम सुबनसिरी रिवर पे। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर पे बगलीहार डैम है चेनाब रिवर पे, दमखार डैम इंदस रिवर पे, चोलाल डैम ब्रह्मपुत्र रिवर पे, शाहपुर कांडी डैम रावी नदी पे, और उरी डैम झेलम नदी पे। ठीक है, शाहपुर कांडी और बगलीहार ये काफ़ी न्यूज़ में रहने वाले हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। बगलीहार चेनाब पर और शाहपुर कांडी रावी पर है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में टिहरी डैम जो है वो हाईएस्ट डैम है इंडिया का, ये भागीरथी नदी पे है। नेक्स्ट कालाघर डैम, रामगंगा डैम भी बोलते हैं इसको, ये रामगंगा नदी पर है। इसके बाद हरिपुरा डैम जो भाखड़ा पे है, और इसके बाद इचारी डैम जो टोंस रिवर पे है, और इसके बाद मनेरी डैम भागीरथी रिवर पे। इसके साथ ही कोटेश्वर डैम भागीरथी ये भी उत्तराखंड में ही है। इसके बाद आते हैं राजस्थान स्टेट में। राजस्थान में बिलासपुर डैम बानस, और इसके बाद माही बजाज सागर डैम माही रिवर पे, राणा प्रताप सागर डैम चंबल में। इससे पहले हमने महाराणा प्रताप देखा था, महाराणा प्रताप सागर जो कि हिमाचल प्रदेश में था, महाराणा प्रताप सागर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, ब्यास नदी पर है, जबकि राणा प्रताप सागर कहाँ है, चंबल नदी पे राजस्थान में है। इसके बाद जवाई डैम जवाई नदी पे, जवाहर सागर डैम चंबल नदी पे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पॉट। स्टैटिक जीके के पार्ट 5 में आज हम देखेंगे रिवर्स एंड सिटीज ऑन देयर बैंक्स इन इंडिया, मतलब भारत में जो विभिन्न नदियाँ हैं उनके किनारे कौन से महत्वपूर्ण नगर बसे हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी, गंगा रिवर। इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं, जैसे भागलपुर, हरिद्वार, और ये कौन से स्टेट में है वो यहाँ लिखा हो, मतलब ये कौन से राज्य में है। ठीक है, आपको पता ही है गंगा का उद्गम कहाँ होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है उत्तराखंड में। उसके बाद जो महत्वपूर्ण नगरों के, हम क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिनके किनारे से ये रिवर्स होके बहती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम रिवर ड्रेनेज सिस्टम और ये इनका हम एक जो ज्योग्राफी की हमारी सीरीज़ चल रही थी उसमें सेपरेट हम कवर करेंगे आने वाले टाइम में। चलिए इसमें देखते हैं हरिद्वार उत्तराखंड, इसके बाद आ जाते हैं गंगा नदी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में वो एंटर करती हैं बिजनौर से, बिजनौर यूपी, वहाँ से गंगा यूपी में एंटर करती हैं। इसके बाद आ जाता है फर्रुखाबाद, आप चाहें तो इसके साथ ही इसमें नंबरिंग करते जाएं। इसके बाद आ जाता है फर्रुखाबाद, वन सेकेंड। सबसे पहले अगर यूपी में बात करें, क्योंकि आपके लिए यूपी के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये, तो यूपी में बात करें तो इसके हिसाब से नंबर वन फर्रुखाबाद, इसके बाद फतेहगढ़ नंबर टू, इसके बाद जाती हैं कन्नौज नंबर थ्री, इसके बाद आ जाते हैं कानपुर नंबर फोर, और इसके बाद आ जाते हैं प्रयागराज जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हमें देखने को मिलेगा, उसके बाद वाराणसी तो इसको नंबर फाइव वाराणसी, और इसके बाद ये यूपी के सारे शहर हो गए। इसके बाद आ जाते हैं बिहार में, तो बिहार में इसके बाद आ जाओ हाजीपुर, और इसके बाद भागलपुर सिक्स और सेवन। ठीक है,
नहीं, इसके बाद आ जाता है हाजीपुर के बाद हाजीपुर और पटना। देखिए जैसे गंगा नदी ये जा रही है तो ये जहाँ यहाँ पर पटना है, पटना में ही पटना के नॉर्थ साइड में यहाँ पर हाजीपुर पड़ता है, और यहाँ से आ जाती है हमारी गंडक रिवर। गंडक यहाँ से आती है गंडक रिवर जो कि यहाँ पे गंगा में मिल जाती है। यहीं ऊपर जो है वो हाजीपुर है और नीचे पटना है, ठीक है, इसलिए इसमें दोनों ही लिखे हुए हैं। तो पहले हाजीपुर और पटना, इन दोनों को आप एक साथ ही मान सकते हैं, और उसके बाद भागलपुर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसको आप मैप में भी देख सकते हैं, ये हमारी गंगा रिवर, ठीक है। इसमें सारी सिटीज़ आपको नहीं दिखेंगी मैप में, इसलिए मैंने पहले ही सीक्वेंस में बता दिया है। आप चाहें तो इसको एटलस वगैरह आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसमें जाके देखिएगा। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, और उसके बाद यहाँ पर पड़ता है फरक्का, और इसके बाद जो गंगा की एक शाखा है वो चली जाती है बांग्लादेश में, और एक हुगली के रूप में यहाँ जाके सुंदरबन का डेल्टा बनाती है और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती कॉन्फ्लुएंस, मतलब कि जहाँ पर ये तीनों मिलती हैं, जहाँ पर ये गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, तो सॉरी यहाँ पर जो है ये गलत टाइप हो गया है, ये हमें पता है ये कहाँ है, प्रयागराज। प्रयागराज यूपी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, दूसरी रिवर है यमुना रिवर। यमुना के किनारे जो महत्वपूर्ण नगर हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो आप बात करिए तो ये है दिल्ली, नंबर वन दिल्ली। इसके बाद आ जाते हैं दिल्ली के बाद आते हैं तो मथुरा, यूपी में जैसे यमुना एंटर करती है, इसके बाद मथुरा के बाद आगरा तो आपको सभी को पता होगा, आगरा किनारे ताजमहल के किनारे से भी तो यमुना होके निकलती है। इसके बाद आते हैं तो इटावा और फिर औरैया, ओके। यही इटावा के पास यमुना, इटावा के पास यमुना में चंबल नदी भी आके मिलती है, ठीक है, जो हम आगे देखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं गोदावरी, इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी में अगर आते हैं तो गोदावरी जो है इसमें अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले महाराष्ट्र, क्योंकि ये महाराष्ट्र में नासिक के पास से ही ऑरिजिनेट होती है, तो ये सबसे पहले आ गया। इसके बाद नंबर टू नांदेड़, और इसके बाद नंबर थ्री निज़ामाबाद तेलंगाना में, और नंबर फोर राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। देखिए ये सीक्वेंस इस टाइप में भी एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं कृष्णा रिवर। कृष्णा नदी वैसे तो ये एक बहुत ही दक्षिण भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं, महत्वपूर्ण शहर हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाता है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सांगली महाराष्ट्र, इसके बाद आएगा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ब्यास नदी, मनाली हिमाचल प्रदेश, सरयू अयोध्या यूपी, सरयू अयोध्या ये तो आपने ज़रूर से सुना होगा। इसके बाद अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के किनारे है उत्तराखंड में, सतलज नदी लुधियाना के किनारे पंजाब और पंजाब स्टेट में, और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट शहर है वो है फिरोजपुर के किनारे पंजाब, दोनों ही पंजाब में, ठीक है। इसके बाद आते हैं चंबल नदी जो है वो एमपी के मऊ के पास से ऑरिजिनेट होती है, और अभी मैंने बताया था कि ये कहाँ इटावा के पास में यमुना में आके मिल जाती है। तो ये जिन शहरों के किनारे से होके गुजरती है वो कौन कौन से हैं, राजस्थान कोटा और ग्वालियर एमपी,
ठीक है। नेक्स्ट इंडस, या जिसे हिंदी में सिंधु नदी भी बोलते हैं, ये वैसे ये है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर का एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट लेह, लेह से होके गुजरती है ये। नेक्स्ट आते हैं साबरमती, साबरमती अहमदाबाद गुजरात। साबरमती नदी अहमदाबाद शहर के किनारे है, कहाँ पर? गुजरात स्टेट में। इसके बाद मूसी नदी, मूसी नदी जो है वो हैदराबाद किनारे है, तेलंगाना में। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो गुवाहाटी डिब्रूगढ़, इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले हैं, आसाम में। दोनों ही कहाँ? आसाम में हैं, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। इसके बाद आते हैं ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी राउरकेला के किनारे से होके गुजरती है। राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसके बाद विश्वभारती, विश्वभारती नदी जो है वो बेंगलोर किनारे से, बेंगलोर आपने ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि आपने ये सुना नहीं होगा कि बेंगलोर के किनारे से अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि बेंगलोर सिटी किस नदी के किनारे बसी है, तो वो विश्वभारती है। ठीक है, बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में है। इसके बाद महानदी, महानदी जो है महानदी किनारे बसे हुए शहर कौन से हैं? संबलपुर और कटक, दोनों ही उड़ीसा में हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कोयम नदी, ये जो कोयम है ये चेन्नई के किनारे है और तमिलनाडु में है। ये काफ़ी मतलब ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि एक शॉर्टेस्ट रिवर भी है बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली। इसकी जो लेंथ है वो 65 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। ठीक है, और ये रिसेंटली न्यूज़ में भी है पॉल्यूशन की वजह से, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नोयल, नोयल नदी कोयम्बटूर के किनारे है, कोयम्बटूर शहर के किनारे, और कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसके बाद आते हैं नर्मदा नदी, नर्मदा नदी किस शहर, नर्मदा नदी किनारे शहर कौन कौन से हैं? वो है जबलपुर और भरूच, जबलपुर एमपी में और भरूच गुजरात में। इसके बाद आते हैं हुगली, हुगली जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, हुगली, हुगली किनारे बसा है कोलकाता। ठीक है, और ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। इसके बाद तुंगभद्रा, तुंगभद्रा जो है वो कुर्नूल शहर के किनारे है, ये आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद गोमती नदी, गोमती नदी लखनऊ के किनारे है और ये उत्तर प्रदेश में है। और गोमती नदी के किनारे दूसरा शहर बसा हुआ शहर कौन सा है? जौनपुर, जौनपुर भी यूपी में है। इसके बाद भीमा नदी, भीमा नदी पंढरपुर महाराष्ट्र, ये पंढरपुर में एक मेला लगता है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आते हैं तो मूथा नदी, मूथा नदी पुणे के किनारे है, पुणे शहर के किनारे मूथा नदी महाराष्ट्र में। इसके बाद झेलम नदी, झेलम नदी किनारे कौन सा शहर है? श्रीनगर, और ये है जम्मू एंड कश्मीर में। फिर आती है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी सूरत गुजरात में। एक नदी है तापी नदी, तो तापी से ताप्ती को कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा। तापी जो है वो नर्मदा के पैरेलल चलती है और जो कि जो अरब सागर में गिरती है जाके। ठीक है, और एमपी से वो करके गुजरती है, अरब सागर में गिरती है, नर्मदा के पैरेलल चलती है। ठीक है, ये है ताप्ती जो कि सूरत के किनारे है गुजरात में। नेक्स्ट शिप्रा नदी, उज्जैन, उज्जैन शहर के किनारे शिप्रा नदी बहती है और ये कहाँ है? एमपी में है, एमपी में। इसके बाद विश्वामित्र, नर्मदा और माही, इन तीनों नदियों किनारे जो शहर है वो है वडोदरा गुजरात में। उसके बाद आ जाते हैं सुबर्णरेखा, सुबर्णरेखा नदी जो है ये कहाँ से? ये जमशेदपुर के किनारे से बहती है और ये झारखंड में है। दामोदर नदी, दामोदर नदी किनारे है दुर्गापुर, ये वेस्ट बंगाल में है। शिप्रा ये हो चुका है, दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, ये रिपीट हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इन सबको एक बार अच्छे से आप लोग मैप में ज़रूर देख लीजिए। हमने अभी गंगा का मैप देखा, इसी तरह से आप यमुना के किनारे बसे हुए शहरों को, ठीक है, यमुना, हुगली, हुगली किनारे कोलकाता, यहाँ ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र के किनारे डिब्रूगढ़,
गुवाहाटी, इनको आप देख सकते हैं मैप में। नीचे आते हैं, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो हमने देखा ये यहाँ पर हमने देखा नर्मदा, नर्मदा में नर्मदा किनारे जबलपुर देखा, ठीक है। ये देखिए ये तापी नदी है, ये आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें तो गोदावरी, इसमें क्योंकि सारे शहरों के नाम नहीं दिए हैं, आप बड़े मैप में अपने पास जो भी आपके पास जो भी एटलस हो आप उसमें देखिएगा, सभी आपको सिटीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। वेलकम टू लर्निंग स्पॉट। स्टैटिक जीके के सीरीज में आज हमारा पार्ट 6 है और इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया। इसके अलावा हमारे चैनल पे और भी सीरीज चल रही हैं, डेली करंट अफेयर्स, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस MCQs और उसके साथ ही गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो आप उन वीडियोस को भी जाके रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को आसान बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो पावर प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स नाम से ही जैसे समझ में आ रहा होगा कि वो प्लांट्स जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट करते हैं, ठीक है। तो वो दो टाइप के हमें यहाँ पढ़ने हैं, न्यूक्लियर एंड थर्मल। इससे पहले हम थोड़ा सा पावर या एनर्जी के बारे में समझ लेते हैं। एनर्जी को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, उनके बनाने के हिसाब से, ठीक है। वो जैसे ओरिजिनेट जैसे बनाई जाती हैं, जनरेट करी जाती हैं, उनके हिसाब से हम उन्हें दो कैटेगरी में बांटते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल नाम से ही समझ में आता है, जैसे कि जिन्हें हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जिन्हें हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे रिसोर्सेज से बनती है जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे रिसोर्सेज बनती है जिनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। जितना उनको यूज़ करा जाएगा वो ख़त्म होते जाएंगे और एक दिन वो कम्प्लीटली जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोल जलाया, आपने कोयला जलाया, जलते हुए देखा ही होगा, तो कोयला जलाने के बाद क्या होता है, धुआं निकल जाता है, कुछ गैसेस निकल गई धुएं में और बाकी राख बच गई, ठीक है, थोड़ी बहुत जो राख बच गई। तो मतलब अब तो उस कोल को वापस से आप नहीं उससे एनर्जी बना सकते हैं ना, वो तो कोल ख़त्म हो गया। तो ये है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का रिसोर्स। वहीं अगर हम पानी, जैसे हाइड्रो पावर है, अगर हमने किसी बहते हुए झरने में एक टर्बाइन वगैरह डाल के हमने उससे इलेक्ट्रिसिटी बना ली, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो झरना आगे जहाँ भी बहता होगा हम वहाँ पे ये नहीं कर सकते। एक बार उस पानी ने इलेक्ट्रिसिटी बना दी, उस पानी के थ्रू हमने इलेक्ट्रिसिटी बना ली, तो हम दोबारा उस पानी का यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा तो है नहीं ना। तो ये हो गया रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। तो इसमें कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, जैसे सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास। बायोमास वो होती है जैसे कि जो एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट है, और इनसे भी जितना भी वेस्ट जनरेट होता है एनिमल, ह्यूमन, प्लांट से, वो सब बायोमास एनर्जी में आता है। इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल जो धरती के अंदर जो स्वतः कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं जिनकी वजह से धरती के अंदर का तापमान बढ़ा हुआ रहता है, तो उससे हम जो एनर्जी जनरेट कर ले तो वो जियोथर्मल एनर्जी हो गई। विंड एनर्जी, हवा जो चलती रहती है, जो हम पवन चक्कियाँ बनाकर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो हो गई विंड एनर्जी, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल में हो गया वो सारी चीज़ें जैसे कि फॉसिल फ्यूल, कोल, नेचुरल गैस, और इनके अलावा एक और है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, देखिए धरती पे जो भी रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, ठीक, रेडियो एक्टिव तत्व, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करते रहते हैं। उनमें इतना हाई रेडिएशन होता रहता है कि उसका यूज़ हम एनर्जी जनरेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें भी क्या है, ये धरती पे बहुत अलग अलग जगह पाई जाती हैं, अगर हम इनका कंटिन्यूसली यूज़ करते रहें तो एक टाइम आएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए ये क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि हमारे देश में जो पावर प्लांट्स हैं वो दो टाइप के बनाए गए हैं, एक थर्मल और एक न्यूक्लियर। इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये कहाँ पर है और इनके नाम क्या है और ये कौन से शहर में है, ठीक है। चलिए इससे पहले हम गवर्नमेंट के कुछ डेटा देख लेते हैं। ये पावर सेक्टर, जो भी इंडिया में पावर सेक्टर है उसकी
उसकी कॉपी है। ये एक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के जो डेटा है, देखिए अपडेटेड डेटा है ये 30 अप्रैल 2021 तक का। इसको मैंने सीधा मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वेबसाइट से ही लिया है। इसमें अलग अलग सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में योगदान है वो कितना कितना है। सेंट्रल का 25.5%, स्टेट्स का 27.1% और प्राइवेट सेक्टर 47.4%। इसका और ये टोटल कितना है, टोटल है 3,82,730 मेगावाट। तो इतनी जो है एनर्जी हमारे यहाँ जनरेट करी जा रही है और उसमें तीनों सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर का अलग अलग परसेंटेज है। आप इसे, आप एक तो ये चीज़ याद रखिए कि टोटल कितनी एनर्जी जनरेट करी जा रही है और मोटे मोटे तौर पर आप परसेंटेज लगभग याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तो इस इन परसेंटेज में भी कौन सी टाइप की एनर्जी जनरेट करी जा रही है, कौन सी टाइप की ज़्यादा और कम, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। टोटल जो है थर्मल एनर्जी जनरेट करी जाती है अबाउट 61.3%। देखिए 3,82,000 समथिंग मेगावाट में टोटल एनर्जी है, उसमें से 2,34,728 मेगावाट केवल थर्मल एनर्जी है। थर्मल एनर्जी में भी कुछ अलग अलग टाइप है, कोल, लिग्नाइट, गैस और डीजल, ठीक है। इनसे जो एनर्जी बनाई जा रही है वो टोटल कितनी है, 61.3%। इसके अलावा आते हैं हाइड्रो पे, हाइड्रो जो कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, हमने पहले ही देख लिया, हाइड्रो पावर इससे बनाई जा रही है 12.2%। इसके बाद आता है न्यूक्लियर एनर्जी का नंबर, जिनके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में। इसका परसेंटेज अभी ओनली 1.8% है हमारी कंट्री में और ये है 6780 मेगावाट। इसके अलावा कुछ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो अदर हैं, जो हमने अदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज देखी हाइड्रो के अलावा, तो उनको टोटल मिला करके 24.8% जो है गवर्नमेंट 24.8% जो है वो एनर्जी जनरेट करी जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के थ्रू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि जो वर्किंग है थर्मल पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर की वो कैसे है। देखिए कुछ नहीं, थर्मल पावर प्लांट्स की एक वर्किंग हम बहुत ही आसान भाषा में समझ लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर फ्यूल रखा, फ्यूल कौन कौन से थे, कोल, लिग्नाइट, डीजल, गैस, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, एक बॉयलर लेंगे, बॉयलर में हम वाटर को बॉयल करेंगे, पानी को बॉयल करते हैं और उससे स्टीम बनती है। स्टीम के थ्रू क्या होता है, टर्बाइन घूमती है और टर्बाइन घूमने से क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है जो कि जनरेटर में पहुंचती है, जनरेटर इसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और जो कि सबको ट्रांसफ़र करी जाती है और ग्रिड सिस्टम में जाती है, उससे सभी जगह ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इस तरीके से जो कोल वगैरह है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, ठीक है। इसी तरीके से आते हैं न्यूक्लियर वाले में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी क्या होता है, सेम चीज़ है, बस इसमें कोल वगैरह की जगह क्या है, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर मटेरियल का, जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, तो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है हम इनका यूज़ करेंगे। अब इनको जो है, इनको एक्टिवेट कैसे करा जाता है, तो वो होती है, या इसमें जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होती है। इसमें क्या है, जैसे यूरेनियम है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूरेनियम है, यूरेनियम पे हमने न्यूट्रॉन की, यूरेनियम पे हमने एक न्यूट्रॉन डाला, जैसे ही न्यूट्रॉन्स डाले तो एक न्यूट्रॉन जो है वो रिएक्ट करके 3 न्यूट्रॉन बना देता है और उसके अलावा जो बाय प्रोडक्ट है उसके अलावा बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है वापस की वही काम करती है, स्टीम बनाती है, पानी बॉयल होता है, स्टीम बनाती है, स्टीम जाती है टर्बाइन में और यहाँ जनरेटर के थ्रू उसी तरीके से यहाँ पर भी बिजली बन जाती है, ठीक, सिंपल है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में जो अलग अलग न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो कौन कौन से हैं। पहला है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, कहाँ पर है ये, नरोरा उत्तर प्रदेश में, इनको हम मैप में भी देख लेंगे। दूसरा है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, मद्रास वाला कलपक्कम तमिलनाडु में है। तीसरा है कैगा जनरेटिंग स्टेशन, कैगा कर्नाटक में है। चौथा है काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, काकरापार गुजरात में। इसके अलावा है कुडनकुलम एटॉमिक पावर स्टेशन, कुडनकुलम तमिलनाडु में। फिर आता है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, रावत भाटा राजस्थान में। इसके बाद तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर महाराष्ट्र में।
तारापुर जो है वो सबसे पुराना है और एशिया का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन भी है। इसके बाद आता है जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि रत्नागिरि महाराष्ट्र में बनने वाला है, इन पे काम चल रहा है। ठीक है, ये तो हो गए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ये इंडिया में कहाँ कहाँ है तो इनको मैप में भी एक बार देख लीजिए। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन यूपी, राजस्थान में रावतबाटा में, ठीक है, उसके बाद तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक, काकरापार भी महाराष्ट्र, सॉरी काकरापार गुजरात, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु, और इसके अलावा कुडनकुलम भी तमिलनाडु में। चलिए अब आते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में। तो थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं, ये पहला है डॉक्टर नाला ताताराव थर्मल पावर स्टेशन इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश। ठीक है, आप बस एक बार इनके नामों को देख लीजिए। हिंदुजा थर्मल पावर स्टेशन, सिमहद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन, दोनों कहाँ है, विशाखापट्टनम में। इसके बाद आता है बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, बरौनी बिहार में। नेक्स्ट है कांति थर्मल पावर स्टेशन, मुजफ्फरपुर बिहार। भिलाई एक्सपेंशन पावर प्लांट, भिलाई छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है उकाई थर्मल पावर स्टेशन, वागडा गुजरात में। नेक्स्ट है धुवारन थर्मल पावर स्टेशन, कामभाट गुजरात। इसके बाद सिक्का थर्मल पावर स्टेशन, जामनगर गुजरात। मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन, मुंद्रा गुजरात। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, केदार हरियाणा। नेक्स्ट आते हैं बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, बोकारो झारखंड। जोजोबेरा थर्मल पावर स्टेशन पावर प्लांट, जोजोबेरा झारखंड। पटराटू थर्मल पावर स्टेशन, पटराटू झारखंड। कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन, कोडरमा झारखंड। बेलारी थर्मल पावर स्टेशन, बेलारी कर्नाटक। उडुपी थर्मल पावर स्टेशन, उडुपी कर्नाटक। नेक्स्ट है संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन, बीर सिंहपुर मध्य प्रदेश। इसके बाद सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन, सरनी मध्य प्रदेश। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, विंध्यनगर एमपी। ये जो है ये इंडिया का बिगेस्ट थर्मल पावर स्टेशन है, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ऊर्जानगर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है छाबरा थर्मल पावर प्लांट बारन राजस्थान। नेवेली थर्मल पावर स्टेशन, नेवेली तमिलनाडु, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसके बाद एनोर थर्मल पावर स्टेशन, एनोर तमिलनाडु। काकतीया थर्मल पावर स्टेशन, वारंगल तेलंगाना। कोथागुडम थर्मल पावर स्टेशन, खम्मम तेलंगाना। सिंगरेनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, मछरियाल तेलंगाना। इसके बाद रेहन थर्मल पावर स्टेशन, सोनभद्र उत्तर प्रदेश। इसके बाद रोशा थर्मल पावर प्लांट, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। टांडा थर्मल पावर प्लांट, अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन, कापरखेड़ा महाराष्ट्र। तिरोड़ा थर्मल पावर स्टेशन, तिरोड़ा महाराष्ट्र। अमरावती थर्मल पावर प्रोजेक्ट, अमरावती। बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन, बदरपुर न्यू दिल्ली। तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कन्हैया ओडिशा। सैलाइट झारसुगुड़ा पावर स्टेशन, झारसुगुड़ा ओडिशा। हीराकुंड कैप्टिव पावर प्लांट, हीराकुंड ओडिशा। गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट, घनौली पंजाब। बार सिंहसर थर्मल पावर स्टेशन, बीकानेर राजस्थान। कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट, कोटा राजस्थान। नेक्स्ट आते हैं ओबरा थर्मल पावर स्टेशन, सोनभद्र उत्तर प्रदेश। दादरी थर्मल पावर प्लांट, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। फिरोज गांधी ऊंचाहर थर्मल पावर प्लांट, रायबरेली उत्तर प्रदेश। अनपारा थर्मल पावर स्टेशन, सिंगरौली। सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सोनभद्र उत्तर प्रदेश। दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन, बर्धमान वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल। बकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन, बीरभूम वेस्ट बंगाल। कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन, पूर्वा मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल। सागरदही थर्मल पावर प्रोजेक्ट, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल। टीटागढ़ थर्मल पावर स्टेशन, टीटागढ़ वेस्ट बंगाल। तो ये जितनी भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनकी लिस्ट हो गई। आपको इसकी पीडीएफ
हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने उसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लर्निंग स्पॉट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पॉट स्टैटिक जीके में। आज हमारा पार्ट 7 है और इसमें हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एंड देयर फील्ड्स, जो भी महत्वपूर्ण अवार्ड्स दिए जाते हैं और वो किस फील्ड में दिए जाते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, MCQs और साथ ही गवर्नमेंट स्कीम्स के भी वीडियोज़ आ रहे हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं फॉर ए बेटर प्रिपरेशन ऑफ योर एग्ज़ाम। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखी है फील्ड्स और यहाँ लिखे हैं अवार्ड्स। सबसे पहला मैथमेटिक्स या गणित के फील्ड में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है उसे बोलते हैं एबल प्राइज़, इसे गणित का नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है। इसके बाद आर्किटेक्चर के फील्ड में जो महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं वो हैं आगा खां अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड इसको बोल सकते हैं आगा खां अवार्ड। इसके बाद बोविले प्राइज़ और उसके बाद स्टर्लिंग प्राइज़। नेक्स्ट जो फील्ड है वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड अर्जुन अवार्ड, ये हमारे देश की बात हो रही है भारत में। उसके बाद ध्यानचंद अवार्ड, फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसके बाद आते हैं लिटरेचर की फील्ड में। लिटरेचर जो इंग्लिश में हो उसमें सबसे बड़ा अवार्ड जो है ये वर्ल्ड वाइड ये है बुकर प्राइज़। नेक्स्ट सिनेमा की फील्ड में, सिनेमा के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड, और उसके बाद नेशनल फिल्म अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड। ये ऑस्कर जो है दुनिया में सिनेमा के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है, और भारत की बात करें तो भारत में दादा साहब फाल्के और नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो सबसे बड़े और महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं। इसके बाद आते हैं मेडिकल साइंस की फील्ड में। मेडिकल साइंस की फील्ड में जो सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है वो है धनवंतरी अवार्ड। नेक्स्ट आते हैं कोचेस इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में जो कोच होते हैं उस फील्ड में अगर अवार्ड की बात करी जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। इसके बाद आते हैं साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च की फील्ड में GD बिरला अवार्ड सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है। नेक्स्ट म्यूज़िक। म्यूज़िक के संगीत की फील्ड में ग्रैमी अवार्ड, और ग्रैमी अवार्ड अगर वर्ल्ड वाइड बात करी जाए, दुनिया की बात करी जाए, तो ग्रैमी अवार्ड सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर भारत की बात करी जाए तो तानसेन सम्मान जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद पीस या फिर शांति के क्षेत्र में अगर बात की जाए, जो कोई ऐसा काम करता है जो शांति स्थापित करने का काम करता है, तो उसके लिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ भी बोलते हैं इसको, या इंदिरा गांधी प्राइज़ है। ये है शांति की फील्ड में भारत में सबसे बड़ा अवार्ड। और दुनिया की अगर बात करी जाए, जो दुनिया में कोई शांति फैलाने की और अच्छा काम करे, तो उसको दिया जाता है नोबेल प्राइज़ पीस का। नेक्स्ट लिटरेचर की फील्ड में बात करते हैं तो ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बुकर प्राइज़, बिहारी अवार्ड। बिहारी अवार्ड जो है वो हिंदी और राजस्थानी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं साइंस की फील्ड में, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग अवार्ड, शांति स्वरूप पटनाकर प्राइज़। उसके बाद आते हैं जर्नलिज्म की फील्ड में, जर्नलिज्म, म्यूज़िक और लिटरेचर, इन तीनों ही फील्ड्स में दिया जाता है पुलित्ज़र प्राइज़। और इसी तरीके से नोबेल प्राइज़, जो हमें पता ही है कि नोबेल प्राइज़ कौन किस किस फील्ड में मिलता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर एंड इकोनॉमी, ठीक है। नोबेल प्राइज़ केवल गणित की फील्ड में नहीं मिलता है, बाकी साइंस का फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन तीनों है, इसके अलावा पीस, लिटरेचर और इकोनॉमी है। नेक्स्ट आ जाता है मैग्सेसे अवार्ड, या फिर इसको रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी बोलते हैं। ये अवार्ड दिया जाता है पब्लिक सर्विस के लिए, लिटरेचर के लिए, जर्नलिज्म के लिए, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्रिएटिव आर्ट्स के लिए। नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी पीस प्राइज़। महात्मा गांधी पीस प्राइज़ जो है वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिया जाता है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू अवार्ड। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड जो है वो गुडविल के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है पद्मश्री, और ये कौन कौन सी फील्ड्स में दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग आर्ट्स, अगर कला के क्षेत्र में, एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, इंडस्ट्री, उद्योग, लिटरेचर, सोशल सर्विस, मेडिसिन, स्पोर्ट्स एंड पब्लिक अफेयर्स, इन सभी फील्ड्स में अगर किसी ने
किसी ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसको दिया जाता है पद्मश्री अवार्ड। इसके बाद बात करते हैं परम वीर चक्र अवार्ड की, तो ये दिया जाता है डिस्प्लेइंग द डिस्टिंग्विश्ड एक्ट ऑफ वैलर ड्यूरिंग वॉर टाइम। जब कभी युद्ध हो रहे होते हैं उस समय अगर किसी ने अपनी क्षमताओं का अपनी बहुत ही अच्छे से प्रदर्शन करा है तो उसे क्या उसे दिया जाता है परमवीर चक्र अवार्ड। इसके बाद बात करें तो वर्ल्ड फूड प्राइज जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू इम्प्रूव फूड क्वालिटी क्वांटिटी एंड अवेलेबिलिटी। जो इंसान अगर फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसकी क्वांटिटी को और जो सभी के बीच में उपलब्ध हो अगर इसके लिए काम करता है तो उसको दिया जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज। नेक्स्ट आता है अशोक चक्र और नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। ये दोनों ही अवार्ड जो हैं वो बहादुरी के लिए या ब्रेवरी के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, अगर वॉर टाइम की बात करें तो उस समय दिया जाता है परमवीर चक्र, और अगर वैसे ही बात करें ब्रेवरी या फिर बहादुरी के लिए तो दिए जाते हैं अशोक चक्र और नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। नेक्स्ट आता है एशियन अवार्ड। एशियन अवार्ड 14 कैटेगरीज में दिया जाता है जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है बिजनेस, फिलंथ्रोपी, एंटरटेनमेंट, कल्चर एंड स्पोर्ट। नेक्स्ट बात करें तो भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किसी भी व्यक्ति को ये दिए जा सकते हैं जो भारत का नागरिक है, और जो नहीं भी है उसे भी अगर उसने किसी फील्ड में बहुत ही अच्छा योगदान दिया है या फिर लोगों की सेवा के लिए बहुत ही अच्छा योगदान दिया है तो उन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण दिए जा सकते हैं। और इनका सीक्वेंस यही है, सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और उसके बाद आता है पद्मश्री। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पॉट। स्टैटिक जीके में आज हमारा पार्ट 8 है और इसमें हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल पोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मेजर जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे लर्निंग स्पॉट पे डेली करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, एमसीक्यूज़ और इसके साथ ही गवर्नमेंट स्कीम्स के भी वीडियोज़ आ रहे हैं, आप रेगुलरली उन्हें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। ठीक है, चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये है पोर्ट्स के नाम और ये लिखे हैं उनके लोकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो इंडिया में मेजर पोर्ट्स हैं वो कितने हैं, वो है 13। मेजर मतलब मुख्य जो है वो 13 पोर्ट्स हैं। इसमें से 12 जो है वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड है, यानी कि उन्हें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके चलाती है, जबकि एक है वो कॉरपोरेशन के थ्रू या फिर प्राइवेट ओन्ड है। ठीक है, अब इसमें से हम बात करते हैं एक एक पोर्ट के बारे में, उसकी क्या खासियत है, वो कहाँ है। सबसे पहला कोलकाता पोर्ट हल्दिया, ये हुगली नदी के किनारे है। कहाँ पर है ये? कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। इसे गेटवे ऑफ ईस्ट इंडिया भी कहा जाता है, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी कहा जाता है। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने ब्रिटिशर्स के बारे में जब पढ़ा होगा तो ये वहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस समय, और आजकल भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए ये फेमस है। एक्सपोर्ट के लिए यहाँ से जूट, टी, कोल, स्टील, आयरन ओर, कॉपर, लेदर, इन सब का एक्सपोर्ट होता है और इम्पोर्ट यहाँ से होता है क्रूड ऑयल, मशीनरी, पेपर, फर्टिलाइजर्स और केमिकल प्रोडक्ट्स जैसी चीज़ें को। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, तो ये है पैरादीप पोर्ट। ये पैरादीप उड़ीसा में है और ये जो है ये डीप वाटर सी पोर्ट है। यहाँ से आयरन ओर, मेनली आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है, और कहाँ के लिए होता है? जापान के लिए। यहाँ से ये इसको बनाया ही गया था जापान को आयरन ओर या लौह अयस्क जो है वो निर्यात करने के लिए। इसके अलावा भी यहाँ से कोल और मिनरल्स वगैरह भी यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में है, ये एक
ये जो है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, आपको जो देखिए भारत में ये जो ईस्टर्न कोस्ट है और ये वेस्टर्न, ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्ट वाले आपको जो बंदरगाह देखने को मिलेंगे जैसे कोलकाता, पैरादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, ये आपको नेचुरली जो है वो ना वो गहरे देखने को मिलेंगे। और जो कार्गो शिप्स होती हैं, बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, ये गहरे पानी में आसानी से आ जा सकती हैं। अगर जो है जो पोर्ट जो किनारा है वो अगर उथला होगा तो जो शिप्स हैं वो बड़ी बड़ी शिप्स जो है ना वो बिल्कुल किनारे तक नहीं आ सकती हैं, तो वहाँ पर हमें कृत्रिम बंदरगाह ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। तो लेकिन आपको ईस्टर्न साइड में भारत के जो तट है वो काफ़ी कटा छटा देखने को मिलेगा और गहरा देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर नेचुरल जो भी है बंदरगाह हैं वो नेचुरली ही बने हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट विशाखापट्टनम के बाद चेन्नई पोर्ट पे। चेन्नई जो चेन्नई तमिलनाडु का है और ये जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट है, ये देश का एक हम इसको सबसे पुराना बंदरगाह कह सकते हैं। ये ज़रूर एक कृत्रिम बंदरगाह बना है और ये सेकेंड लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट मुंबई का, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसके बाद आते हैं वीओ चिदम्बरम पोर्ट तुतीकोरिन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में दो मेन पोर्ट्स हो गए। ठीक है, तो ये इसके बाद आते हैं नेक्स्ट है कोचीन पोर्ट कोची केरला में। ओके, मैंगलोर पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि मैंगलोर कर्नाटक में है, न्यू मैंगलोर पोर्ट मैंगलोर कर्नाटक। इसके बाद मोर्मुगांव पोर्ट जो कि गोवा में है, मोर्मुगांव गोवा, ये जुआरी नदी के तट पर है और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके बाद मुंबई पोर्ट, ये जो है ये लार्जेस्ट पोर्ट है। ठीक है, ये मुंबई महाराष्ट्र में है, इसके साथ ही बना हुआ है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई महाराष्ट्र। नहवा शेवा भी कहते हैं, इसका पुराना नाम नहवा शेवा बंदरगाह है और इसको जो है मुंबई के सहायक बंदरगाह के रूप में बनाया गया था। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी है। ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से इसको बनाया गया है और ये पहले से ही था। इसके बाद दीनदयाल पोर्ट, इसका पुराना नाम कांडला पोर्ट भी था, इसे ये कच्छ गुजरात में है। ठीक है, ये एक ज्वारी बंदरगाह है, मतलब यहाँ पे ज्वार भाटा बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, तो ये एक ज्वारी बंदरगाह है और ये एक ऐसा प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि अगर प्राकृतिक की बात करें तो ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, इसके बाद कामराजार पोर्ट, कामराजार पोर्ट एन्नौर तमिलनाडु, यही है वो जो कि गवर्नमेंट ओन नहीं है, ये प्राइवेटली मैनेज किया जाता है और इसको जापान की कंपनी के साथ मिलके प्राइवेटली इसको इसका सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है और इसके साथ ही ये कॉरपोरेशन बेस्ड भी है। ठीक है, तो इन सब की लोकेशन हम मैप में देख लेते हैं। ईस्टर्न कोस्ट से शुरू करते हैं, ये देखिए वेस्ट बंगाल, ये सारे ईस्टर्न कोस्ट पे, वेस्ट बंगाल, हल्दिया, पैरादीप, उड़ीसा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, इसके बाद एनो, कामराजार पोर्ट तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, इसके बाद तूतीकोरिन तमिलनाडु, नेक्स्ट कोची केरला, ये वेस्टर्न कोस्ट पे, मैंगलोर कर्नाटक, मोर्मुगांव गोवा। ठीक है, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या नेहवा शेवा भी बोलते हैं जिसको, मुंबई, और इसके बाद कांडला या दीनदयाल पोर्ट। ठीक है, तो ये हो गए जो भारत के मेजर पोर्ट्स हैं, इनके बारे में एक वीडियो। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पॉट स्टैटिक जीके में। आज हमारा पार्ट 9 है और इसमें हम देखने वाले हैं लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको बाकी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। चलिए, तो एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि
जो एयरपोर्ट्स हैं उन्हें मैनेज कौन करता है, तो ये करता है, ये किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक मिनी रत्न PSU कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के जो मिनिस्टर हैं वो है श्री हरदीप सिंह पुरी। ओके, देखिए ये डेटा मैंने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से ही की साइट से ही लिया है कि हमारे देश में अभी जो एयरपोर्ट्स की क्या कंडीशन है। ऑपरेशनल है 125, इंटरनेशनल है 29 और इसके साथ ही जॉइंट वेंचर इंटरनेशनल है 5, मतलब कि टोटल हो गए 34। टोटल अभी 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इन इंडिया। डोमेस्टिक हैं 86, कस्टम 10, स्टेट और गवर्नमेंट और प्राइवेट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ओन जो है वो हैं 11। ओके, चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं। फर्स्ट बात करें तो ये है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसको बोलते हैं? ये हैदराबाद के एयरपोर्ट को बोलते हैं जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये चेन्नई का एयरपोर्ट है, चेन्नई तमिलनाडु। अन्ना इंटरनेशनल, तो चेन्नई से आप अन्ना से जरूर इसको याद रख सकते हैं। देखिए ये जो इस टाइप के नाम है इसमें बस इसी तरीके से पूछ लिया जाता है कि ये एयरपोर्ट कहाँ पर है। बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि जो ये नाम है ये किस एयरपोर्ट का नाम है ये हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट जारुकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शिलोंग मेघालय। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई। ये तो सभी को याद होगा क्योंकि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी मुंबई स्टेशन, रेलवे स्टेशन को बोलते हैं, और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई महाराष्ट्र। ये एक याद रखने वाला है, जारुकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? शिलोंग मेघालय में। और श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल, ये अमृतसर पंजाब का है। ओके, इसके अलावा कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत फेमस है, ये बेंगलोर का, बेंगलोर जो कि कर्नाटक में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर्णावती गुजरात में है। नेक्स्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट को बोलते हैं, ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी इसको कहा गया था। नेक्स्ट लोकप्रिय गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी आसाम। नेक्स्ट है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये किसको बोला जाता है? ये पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट को बोला जाता है जो कि अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार आइसलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो रूपसी एयरपोर्ट, ये कहाँ है? धुबरी आसाम में। इसका भी नाम याद रखिएगा, रूपसी आसाम। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट पटना बिहार के एयरपोर्ट को बोल पटना के एयरपोर्ट को कहते हैं जो कि बिहार में है। नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, ये कहाँ है? रायपुर छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट सोनारी एयरपोर्ट जमशेदपुर झारखंड। इसके बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची, रांची के एयरपोर्ट को बोलते हैं जो कि झारखंड में है। इसके बाद राजा भोज एयरपोर्ट, ये भोपाल MP के एयरपोर्ट को बोलते हैं। नेक्स्ट देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर MP। नेक्स्ट है ओजार एयरपोर्ट नासिक महाराष्ट्र। इसके बाद तुलिहाल एयरपोर्ट इम्फाल मणिपुर। इसके बाद आता है लेंगपुई एयरपोर्ट एज्वाल मिजोरम। देखिए जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं खासकर इनके नाम याद रखिएगा। ओके, इसके बाद देखें तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून उत्तराखंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता वेस्ट बंगाल, बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट देवगढ़ झारखंड, काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, कुशोक बाकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट ले जम्मू एंड कश्मीर। ओके, चलिए इनको एक बारी मैप पे समझ लेते हैं। यहाँ ऊपर होगा लेह का, जो इसमें शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर होगा लेह का। ठीक है, लेह का कौन सा था? कुशोक बाकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट ले जम्मू एंड कश्मीर।
अब जो कि अब केवल लेह लद्दाख का पार्ट है, अलग यूनियन टेरिटरी है, और ये जम्मू एंड कश्मीर अलग यूटी है, ठीक है। इसके बाद श्रीनगर, और ये यहाँ पे श्री गुरु रामदास जी, ये अमृतसर का है, ये न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी। और इसके बाद आ जाते हैं तो चौधरी चरण सिंह, ये कहाँ है, लखनऊ का। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, वाराणसी का। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पटना का है। फिर यहाँ पर लोकप्रिय गोपीनाथ, ये असम में है। इसके बाद ये इम्फाल में, देखिए नॉर्थ ईस्ट के हमने कई सारे देखे थे। नॉर्थ ईस्ट का हमने देखा था जैसे जारुकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शिलोंग, मेघालय। इन्हें आप अलग से मैप पे देख लीजिए, क्योंकि ऐसा एक ही मैप पे सारे शो नहीं हो रहे थे। इसके अलावा लोकप्रिय गोपीनाथ इंटरनेशनल, ये कहाँ, गुवाहाटी का है, गुवाहाटी असम। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो रूपसी एयरपोर्ट, धुबरी असम, और तुलिहाल एयरपोर्ट, इम्फाल, मणिपुर, और लिंगपुई एयरपोर्ट, ऐज़वाल, मिज़ोरम, ठीक है। तो ये हो गए नॉर्थ ईस्ट वाले। इसके बाद यहाँ गुजरात में देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और ये यहाँ पर मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये यहाँ पे गोवा का है, ये बैंगलोर का कैंपेगौड़ा, चेन्नई का अन्ना इंटरनेशनल। इसके बाद नीचे आ जाए तो कोची इंटरनेशनल है। देखिए कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियत है कि ये पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बनने वाला एयरपोर्ट है, पब्लिक प्लस प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनने वाला एयरपोर्ट है, ठीक है। तो आप इनको एक बार मैप पे अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें सारे कंप्लीट नहीं है, आप इनको अपने एटलस वगैरह में जाके अच्छे से देखिएगा, और इनके नाम याद रखने की कोशिश करिए। इन्हें दो चार बार आप जहाँ देखेंगे तो आपको इनके नाम और लोकेशन सहित याद हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पॉट। स्ट्रेटेजी जीके के पार्ट 10 में आज हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो इंडिया यानी हमारा भारत देश अन्य देशों के साथ करता है, और उसके साथ ही जो हमारे भारत देश की तीनों सेनाएं करती हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इनकी जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं उनका क्या नाम है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमारे चैनल पे और भी सीरीज चल रही हैं, जैसे डेली करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस MCQs और गवर्नमेंट स्कीम की, आप उन्हें भी रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास। पहला युद्ध अभ्यास है, और ये होता है इंडिया एंड USA के बीच में। नेक्स्ट है वज्र प्रहार भी इंडिया और USA के बीच में होता है। टाइगर ट्रम्फ इंडिया और USA, कोप इंडिया एंड USA। तो इंडिया एंड USA के बीच में होने वाली ये एक्सरसाइजेस हैं, इनके नाम है युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्फ, कोप इंडिया, ठीक है। इसके साथ ही एक एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज। अभी तक ये होती थी इंडिया, जापान और USA के बीच में। 2020 में क्या हुआ, 2020 में इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया, ठीक है, प्लस ऑस्ट्रेलिया। और 2020 में ये एक्सरसाइज इंडिया के दो कोस्ट में हुई, ईस्टर्न कोस्ट में भी और वेस्टर्न कोस्ट में, यानी बे ऑफ बंगाल में भी हुई और यहाँ पर ये अरेबियन सी में भी हुई है। चलिए ये एक नेवल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो ये है इंद्र, और ये होती है इंडिया एंड रशिया के बीच में। देखिए यहाँ पे IND से इंडिया एंड RA से आप रशिया समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अभी इंद्र भी ये भी होती है इंडिया एंड रशिया के बीच में। नेक्स्ट है अजेय वॉरियर। अजेय मतलब जिसको जीता ना जा सके, ये अजेय वॉरियर एक्सरसाइज होती है इंडिया एंड UK के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं तो मित्र शक्ति, मित्र की शक्ति एक तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, तो ये होती है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। उसके बाद है स्लीनेक्स।
स्लीनेक्स में एस, एल से श्रीलंका, आई एन से इंडिया, ई एक्स से एक्सरसाइज, ये होती है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। अल नगाह, ये होती है इंडिया एंड ओमान के बीच में, ठीक है। अल नगाह इंडिया एंड ओमान। उसके बाद है खंजर, खंजर एक्सरसाइज होती है इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है साइनो इंडिया ज्वाइंट और हैंड इन हैंड, ये दो एक्सरसाइजेस होती हैं किसके, इंडिया एंड चाइना के बीच में। इसके बाद देखते हैं तो पिच ब्लैक, पिच ब्लैक और ऑसी इंडेक्स, ये दोनों एक्सरसाइजेस होती हैं इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। आगे देखते हैं हरिमु शक्ति, हरिमु शक्ति एक्सरसाइज होती है इंडिया एंड मलेशिया के बीच में। नेक्स्ट है मिलेक्स, मिलेक्स एक्सरसाइज होती है बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच में, जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है उसमें जितनी भी कंट्रीज हैं बे ऑफ बंगाल, जैसे ये इंडिया है, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल से जुड़ी हुई जितनी भी कोस्ट साझा करने वाली जितनी भी कंट्रीज हैं और उसके साथ ही नेपाल, ठीक है, तो ये जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं उनके बीच में होने वाली एक्सरसाइज है मिलेक्स। नेक्स्ट है प्रबल दोस्त्याक, ये होती है इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में। इसके बाद है धर्मा गार्डियन, सिन्यू मैत्री और जिमैक्स, ये होती है इंडिया एंड जापान के बीच में, ठीक है। धर्मा गार्डियन, सिन्यू मैत्री और जिमैक्स, इंडिया एंड जापान। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट, ये होती है इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में। मंगोलिया कंट्री कहाँ है, चाइना के, चाइना के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है काज इंडिया, काज इंडिया इंडिया एंड कजाकिस्तान। इसके बाद इप्सामर इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, इसमें सब शॉर्ट फॉर्म ही है इंडिया, आई से इंडिया, बी से ब्राज़ील, एस से एस ए साउथ अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट है शक्ति, शक्ति इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है। इसके बाद बात करें तो संप्रीति, ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट देखते हैं वरुण, वरुण एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है, ओके, ये एक मैरिटाइम एक्सरसाइज है। उसके बाद सिंडेक्स, समुद्र शक्ति, बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स, ये सारी इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में होने वाली एक्सरसाइजेस हैं। नेक्स्ट सिटमैक्स, इंडिया सिंगापुर एंड थाईलैंड के बीच में। इसके बाद बात करें तो गरुण, गरुण इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है, ये एक एयर एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इंद्रधनुष, इंडिया एंड यूके के बीच में होती है। इसके बाद एक्वेरिन, एक्वेरिन इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में होती है। नेक्स्ट है सूर्य किरण, ये इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, ठीक है। आगे बात करें तो सहयोग एच ओ पी टी ए सी, ये होती है इंडिया एंड वियतनाम के बीच में। नेक्स्ट है कोंकण, ये इंडिया और यूके के बीच में होती है। नेक्स्ट है कोबरा गोल्ड, ये 27 नेशंस के बीच में होती है, इसमें इंडिया भी शामिल है। नेक्स्ट है आई एन बी पी टी बिलाट एक्सरसाइज, ये इंडिया और वियतनाम के बीच में होती है। नेक्स्ट दस्तलिक, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। इसके बाद बात करें तो ज़ायर अल बहार, ये एक्सरसाइज होती है इंडिया एंड कतर के बीच में। नेक्स्ट है ईस्टर्न ब्रिज, इंडिया एंड ओमान के बीच में। इसके बाद पैसेज एक्सरसाइज या पासेज, पासेक्स भी बोलते हैं इसको, और इसके साथ ही गरुण शक्ति, ये दोनों होती है इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सी विजिल एक्सरसाइज, ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। वायु शक्ति, इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज टोपची, इंडियन एयर, इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है दानक्स, दानक्स अंडमान एंड निकोबार कमांड की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है अपहरण, इंडियन नेवी की। लेमिते, इंडिया एंड सेचल्स के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। मैत्री, मैत्री इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इम्बेक्स, इंडिया एंड म्यांमार के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। विनबेक्स, इंडिया एंड वियतनाम के बीच में होती है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पॉट। स्टैटिक जीके के पार्ट 11 में आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट स्टेडियम्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेडियम ईडन गार्डन, ये ओल्डेस्ट है इंडिया का,
ये है कहाँ पर? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, ये कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। इसके बाद आता है अरुण जेटली स्टेडियम, रिसेंटली जिसका नाम चेंज हुआ था, फिरोज शाह कोटला नाम था इसका पहले, ये कहाँ है? दिल्ली में। इसके बाद ब्रबर्न स्टेडियम, मुंबई, महाराष्ट्र। ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर, उत्तर प्रदेश। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु, कर्नाटक का है। वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, महाराष्ट्र का है। बारावती स्टेडियम, कटक, उड़ीसा। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, आई एस बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली, पंजाब। नेक्स्ट है डॉक्टर वाई एस राजशेखर रेड्डी ए सी ए वी डी सी ए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद, तेलंगाना। होलकर स्टेडियम, इंदौर, मध्य प्रदेश। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, राजकोट, गुजरात। इसके बाद जे एस सी ए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, रांची, झारखंड। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद बारसापारा स्टेडियम, यह है गुवाहाटी, आसाम में। नेक्स्ट ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम, केरला। इसके बाद कुछ इंटरनेशनल स्टेडियम्स को देख लेते हैं। द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। सनकॉर्प स्टेडियम, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। द एडलेड ओवल, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। हिंचक्लिफ स्टेडियम, पैटरसन, यूएसए। द गाबा स्टेडियम, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। एतिहाद स्टेडियम, ब्रिस्बेन। अलायंस स्टेडियम, मेलबर्न। ब्रिस्बेन, मेलबर्न, सिडनी, ये सब कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में ही है। एन स्टेडियम, सिडनी। द ओवल स्टेडियम, सिडनी। ओल्ड ट्रैफोर्ड स्टेडियम, ये कहाँ है? कैनिंगटन, इंग्लैंड में। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड स्टेडियम, बहुत फेमस लॉर्ड स्टेडियम कहाँ है? स्ट्रेफोर्ड, लंदन में। नेक्स्ट ट्रेंट ब्रिज, सेंट जोन्स वुड, ये भी लंदन में है। नेक्स्ट हेडिंगले, वेस्ट ब्रिजफोर्ड, यूके। इसके बाद एडगाबास्टन, लीड्स, यूके, यूनाइटेड किंगडम में। एडन पार्क, बर्मिंगम, यूके, यूनाइटेड किंगडम। वेस्ट पैक स्टेडियम, ये कहाँ है? ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है एफएमजी स्टेडियम, वाइकाटो, ये कहाँ पर है? वेलिंगटन, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट आता है फोर्सिथ बार स्टेडियम, हैमिल्टन, न्यूजीलैंड। इसके बाद है एलिस पार्क स्टेडियम, डुनेडिन, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है सुपर स्पोर्ट पार्क, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। आगे देखते हैं सेंट जॉर्ज पार्क, गोटिंग, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है क्वींस पार्क ओवल, ये है पोर्ट ऑफ स्पेन, ये पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद एंड टोबैको के बीच में है। ये कैरेबियन सी में, मतलब कैरेबियन आइलैंड के बीच में एक आइलैंड मिलेगा आपको, और वेनेजुएला के आपको ये ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वार्नर पार्क स्टेडियम, बसातेरी, सेंट किट्स एंड नेविस। देखिए ये जितने भी ये सब आइलैंड्स के नाम हैं, और ये सारे आइलैंड आपको कैरेबियन सी के इधर देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कैनसिंगटन ओवल, ये है ब्रिजटाउन, बारबाडोस। नेक्स्ट है डैरन सैमी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रॉस, आइसलैंड, सेंट लुसिया। गाले इंटरनेशनल स्टेडियम, यह है कोलंबो रोड, गले, श्रीलंका में है ये। नेक्स्ट शेरे बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम, ये हमारी जो नेबर कंट्री है, ढाका, बांग्लादेश में। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल स्टेडियम और भारत के, इंडिया के स्टेडियम, इनके बारे में आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पॉट। स्ट्रैटेजी के पार्ट 12 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट ऑफ टेम्पल्स इन इंडिया। भारत में जो भी महत्वपूर्ण मंदिर और धार्मिक स्थल हैं वो कौन से हैं, कहाँ पर हैं, आज हम इस वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल में जो और भी वीडियोस आते हैं उनके बारे में आपको बता दूं, जैसे डेली करंट अफेयर्स, बैंक गवर्नेंस MCQs और उसके साथ ही गवर्नमेंट स्कीम्स के वीडियोस रेगुलरली आ रहे हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टेम्पल है बद्रीनाथ टेम्पल। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है? चमोली उत्तराखंड में, चमोली ज़िले में उत्तराखंड में है। इसके बाद कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल, ये कहाँ है? पुरी उड़ीसा में। नेक्स्ट है बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है? ये थंजावुर सिटी ऑफ तमिलनाडु में है। इसके बाद सोमनाथ मंदिर या सोमनाथ टेम्पल, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। इसके बाद केदारनाथ टेम्पल, केदारनाथ मंदिर, ये कहाँ है? उत्तराखंड, केदारनाथ उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है सांची स्तूप। सांची स्तूप कहाँ है? MP मध्य प्रदेश में है और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, हमने वर्ल्ड हेरिटेज वाले वीडियो में डिस्कस करा था। नेक्स्ट कौन सा है? रामनाथ स्वामी टेम्पल, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु। इसके बाद वैष्णो देवी मंदिर जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है सिद्धिविनायक टेम्पल। सिद्धिविनायक टेम्पल कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। इसके बाद गंगोत्री टेम्पल। गंगोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी उत्तराखंड में। नेक्स्ट गोल्डन टेम्पल, ऐसे श्री हरमिंदर साहिब में बोलते हैं, ये कहाँ है? अमृतसर पंजाब में। इसके बाद है काशी विश्वनाथ टेम्पल, ये कहाँ है? ये है वाराणसी या बनारस उत्तर प्रदेश में। अभी ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बन रहा है तो आप उसे इसकी वजह से इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल। भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ पर है? ये पुरी उड़ीसा में है, इनकी हर साल यात्रा भी निकलती है। यमुनोत्री टेम्पल, यमुनोत्री टेम्पल कहाँ है? ये भी उत्तरकाशी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? ये मदुरई तमिलनाडु में है। इसी बात आता है अमरनाथ केव टेम्पल, यानी कि अमरनाथ की गुफा जो है, गुफा मंदिर, ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। लिंगराज टेम्पल या लिंगराज मंदिर, ये कहाँ है? ये है भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट है तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर। तिरुमाला वेंकटेश्वर टेम्पल, ये कहाँ पर है? ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद बात करें तो कांचीपुरम के मंदिर जो हैं वो कहाँ है? कांचीपुरम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट खजुराहो टेम्पल। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो छतरपुर MP में, मध्य प्रदेश में है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है विरूपाक्षा मंदिर। विरूपाक्षा टेम्पल, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हम्पी कर्नाटक पे। ठीक है, हम्पी भी अपने आप में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वहीं पर है ये विरूपाक्षा टेम्पल। नेक्स्ट अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर न्यू दिल्ली में है। इसके बाद बात करें तो गोमतेश्वर टेम्पल। गोमतेश्वर टेम्पल श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तो हाँ, और श्रवण बेलगोला ये गोमतेश्वर टेम्पल में बाहुबली भगवान की मूर्ति है और वो एक सिंगल स्टोन की बनी हुई मोनोलिथिक मूर्ति है। ठीक है, नेक्स्ट पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। पद्मनाभा स्वामी टेम्पल ये कहाँ पर है? ये तिरुवनंतपुरम केरला में है। नेक्स्ट द्वारकाधीश टेम्पल। द्वारकाधीश टेम्पल द्वारका गुजरात में है। इसके बाद बात करें तो इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल कहाँ है? मथुरा UP में है। तो ये हो गए कुछ इम्पॉर्टेंट मुख्य जो मंदिर है या रिलीजियस स्पेस, मतलब रिलीजियस प्लेसेस हैं इन इंडिया। अब इनकी लोकेशन देख लेते हैं एक बार। अब हम मैप में नॉर्थ से देखना शुरू करते हैं। तो नॉर्थ में आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर, वैसे ये मैप चेंज हो गया है, यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर UT है, नीचे ऊपर लद्दाख UT। तो जम्मू एंड कश्मीर में है अमरनाथ केव्स और वैष्णो देवी, दोनों ही इसी में। इसके बाद नीचे आ जाएं तो ये पंजाब में आपको अमृतसर में गोल्डन टेम्पल देखने को मिलेगा। धर्मशाला एक इम्पॉर्टेंट जगह है हिमाचल प्रदेश में, ये यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री आपको मिलेगी। नेक्स्ट है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ,
ऋषिकेश, हरिद्वार, ये जितनी भी रिलीजियस इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो सब आपको इसमें देखने को मिलेंगी। हरियाणा में कुरुक्षेत्र, न्यू डेली से नीचे आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में वृंदावन, मथुरा, श्रावस्ती, अयोध्या, फतेहपुर, सारनाथ, अलाहाबाद, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो बिहार में बोधगया, नालंदा, ओके, ये असम में गुवाहाटी, मणिपुर में इम्फाल, इसके बाद वेस्ट बंगाल में कोलकाता, और ये देखिए उड़ीसा में आते हैं तो उड़ीसा में भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क, ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में, और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें ये आंध्र प्रदेश में तिरुपति, ये हमको तिरुपति देखने को मिलेगा, और तमिलनाडु में आ जाए तो कांचीपुरम, पुदुचेरी, थंजावुर के मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, उसके बाद नीचे रामेश्वरम, कन्याकुमारी, और केरला में आ जाए अगर हम केरल की बात करें तो केरल में त्रिशूर, एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम, और कर्नाटक में देखिए तो ये श्रावणी बेलगोला आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और इसके बाद हमने जिन मंदिरों की बात करी है, मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर आपको देखने को मिलेगा, और ये शिरडी यहाँ पर, अगर गुजरात में देखें तो यहाँ पे सोमनाथ और ये द्वारका, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि उज्जैन सिटी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कुंभ लगता है, कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। उज्जैन में, प्रयागराज में, अलाहाबाद जो प्रयागराज हो गया, प्रयागराज में, हरिद्वार में, ठीक है, यहाँ पे कुंभ के मेले लगते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर राजस्थान में देखें, राजस्थान में इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं रिलीजियस व्यू से, जैसलमेर, बीकानेर, पुष्कर, अजमेर, पुष्कर की बात करें तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक अकेला मंदिर है, विश्व में ब्रह्मा जी का अकेला मंदिर पुष्कर में पाया जाता है। अजमेर में अजमेर शरीफ दरगाह है, रनकपुर, उदयपुर, माउंट आबू, ठीक है। ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंट टेम्पल्स एंड रिलीजियस प्लेसेस इन इंडिया। आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पॉट। स्टैटिक जीके के इस पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ पैलेसेस इन इंडिया, भारत में जो भी महत्वपूर्ण महल हैं वो कौन से हैं, कहाँ पर हैं, उनके नाम क्या हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, एमसीक्यूज और गवर्नमेंट स्कीम्स के भी वीडियोस आ रहे हैं, आप उन्हें रेगुलरली फॉलो करिए ताकि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और आसान बना सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है सिटी पैलेस, ये कहाँ है, उदयपुर, राजस्थान में। इसके बाद मैसूर पैलेस, मैसूर कर्नाटक में। नेक्स्ट है ताज फलकनुमा पैलेस, ताज के नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये है हैदराबाद तेलंगाना में। इसके बाद है जल महल कहाँ है, जयपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट है लक्ष्मी विलास पैलेस है वडोदरा, गुजरात में। नेक्स्ट है हवा महल कहाँ है, जयपुर, राजस्थान में। इसके बाद बात करें तो उमैद भवन पैलेस ये कहाँ पर पड़ता है, ये है जोधपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट है चौमहल्ला पैलेस कहाँ है, ये है हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट है आमेर पैलेस कहाँ है, जयपुर, राजस्थान में। जग मंदिर पैलेस उदयपुर, राजस्थान। रामनगर फोर्ट एंड पैलेस ये कहाँ है, यह है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी, आगरा, उत्तर प्रदेश। तो यूपी के अभी आपको दो देखने को मिले, एक वाराणसी में रामनगर फोर्ट एंड पैलेस और फतेहपुर सीकरी, आगरा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है शनिवारवाड़ा कहाँ पर है, ये पुणे, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है जय विलास पैलेस ग्वालियर, MP में है। इसके बाद देखें तो उज्जैनता पैलेस है अगरतला, त्रिपुरा में। ये नॉर्थ ईस्ट का है इसलिए आप इसको, और थोड़ा डिफरेंट भी है इसलिए आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद है लालगढ़ पैलेस कहाँ है, बीकानेर, राजस्थान में। देखिए आपको मोस्टली जो पैलेस है वो राजस्थान में देखने को मिलेंगे,
ठीक है, इसके बाद देखें तो गजनेर पैलेस, गजनेर पैलेस है बीकानेर राजस्थान में। नेक्स्ट है प्राग महल, प्राग महल भुज गुजरात में है। इसके आगे देखें तो खेतरी पैलेस, खेतरी पैलेस है झुंझुनू राजस्थान में। नेक्स्ट है मुबारक मंडी पैलेस, मुबारक मंडी पैलेस जम्मू में है। इसके बाद देखें तो सरिस्का पैलेस अलवर राजस्थान में है। नेक्स्ट है तारागढ़ पैलेस, तारागढ़ पैलेस कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद स्तोक पैलेस, ये लद्दाख में है। लद्दाख का एक एक ही आपको पैलेस देखने को मिलेगा, तो उसका नाम भी आप याद रखिएगा। और हिमाचल के कांगड़ा में तारागढ़ पैलेस, ठीक है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पद्मनाभपुरम पैलेस, ये कहाँ है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ है, ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है बोलगट्टी पैलेस, बोलगट्टी कोची केरला में है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पॉट। स्टैटिक जीके के इस पार्ट में हम देखने वाले हैं लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया, भारत में विभिन्न जो त्यौहार मनाए जाते हैं कौन से प्रदेशों में, कौन से शहरों में मनाए जाते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, एमसीक्यूज और इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स के वीडियोस रेगुलरली आ रहे हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला फेस्टिवल है द एलिफेंट मार्च। देखिए यहाँ पे फेस्टिवल दिए गए हैं और यहाँ पे इनकी लोकेशन, तो लोकेशन इस हिसाब से दी है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए, मेनली कहाँ पे मनाए जाते हैं, लेकिन आजकल आपको ये इन जगहों से ज़्यादा भी अलग जगहों पे भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला एलिफेंट मार्च ये होता है त्रिशूर केरला, या फिर इसको त्रिशूर भी बोलते हैं, त्रिशूर केरला में, ठीक है। नेक्स्ट है लोहड़ी, लोहड़ी फेस्टिवल है, जैसे कि हम जानते हैं ये पंजाबियों का फेस्टिवल है, ये मनाया जाता है पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में। नेक्स्ट इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होता है अहमदाबाद गुजरात में। जैसे कि ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है बीकानेर कैमल, ये एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक जगह पे ही होते हैं। बीकानेर कैमल फेस्टिवल ये होता है बीकानेर राजस्थान में। नेक्स्ट है डेजर्ट फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल होता है जैसलमेर राजस्थान में। नेक्स्ट है ताज महोत्सव, ताज महोत्सव होता है आगरा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है खजुराहो डांस फेस्टिवल, खजुराहो डांस फेस्टिवल होता है मध्य प्रदेश में खजुराहो में। इसके बाद है सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला, सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला लगता है हर साल फरीदाबाद हरियाणा में। इसके बाद है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, ये होता है मुंबई महाराष्ट्र में, ये बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा आप, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट एलिफेंट फेस्टिवल है जो कि जयपुर राजस्थान में होता है, और एलिफेंट मार्च जैसे कि हमने देखा ये त्रिशूर केरला में होता है। आगे देखते हैं मेवाड़ फेस्टिवल, मेवाड़ फेस्टिवल होता है उदयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है गंगौर फेस्टिवल, गंगौर फेस्टिवल राजस्थान में होता है जहाँ गौरा माता की पूजा होती है। इसके बाद है बैसाखी, बैसाखी भी पंजाबियों का, सिखों का एक प्रमुख त्यौहार है, ये होता है पंजाब में। इसके बाद है ट्यूलिप फेस्टिवल, ट्यूलिप फेस्टिवल होता है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। जैसा कि हम जानते हैं वहाँ पे एक ट्यूलिप गार्डन है, तो इसलिए वहाँ पे ट्यूलिप फेस्टिवल होता है। नेक्स्ट इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल, ये होता है गैंगटॉक सिक्किम में। नेक्स्ट है सिंधु दर्शन फेस्टिवल, सिंधु दर्शन फेस्टिवल होता है लेह और लद्दाख में, क्योंकि सिंधु नदी वहाँ से होके बहती है, और जिसके लिए सिंधु दर्शन फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट है हेमिस फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल भी लद्दाख में होता है, क्योंकि हेमिस आप जानते होंगे कि हेमिस नेशनल पार्क भी है लद्दाख में। नेक्स्ट तीज फेस्टिवल, तीज फेस्टिवल होता है राजस्थान का, मेनली राजस्थान का है, बाकी ऑल ओवर इंडिया भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है मेतिम नियो फेस्टिवल, ये होता है नागालैंड में। इसके बाद ओनम, ओनम जो है वो केरला का एक प्रमुख त्यौहार है। इसके बाद जीरी फेस्टिवल, जीरी फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर, कोलायात फेयर, कोलायात फेयर है बीकानेर राजस्थान का। इसके बाद भेदियन खालम, भेदियन खालम फेस्टिवल होता है जोवाई मेघालय में। नेक्स्ट देखें तो कबीरा फेस्टिवल, कबीरा फेस्टिवल होता है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद देखें तो नुआखाई फेस्टिवल, नुआखाई त्यौहार जो है ये है ओडिशा का। इसके बाद देखें तो आदि महोत्सव, आदि महोत्सव होता है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल, नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल है शिलोंग का, शिलोंग मेघालय। नेक्स्ट है मांडू फेस्टिवल, मांडू फेस्टिवल होता है मध्य प्रदेश में।
हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये प्रमुख त्यौहार है नागालैंड का, हॉर्नबिल नागालैंड। आगे देखते हैं तो संघाई फेस्टिवल, संघाई फेस्टिवल होता है मणिपुर में। नेक्स्ट है जंगल महल फेस्टिवल, जंगल महल फेस्टिवल होता है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। इसके बाद देखें तो द्विजिंग फेस्टिवल है ये आसाम का। इसके बाद देखते हैं तो ऑरेंज फेस्टिवल, ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ होता है, नागपुर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में, ठीक है, नागपुर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में। इंटरनेशनल, इसके बाद है इंटरनेशनल एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल, ये होता है जैसलमेर राजस्थान में। नेक्स्ट है बूरी बूट योलो फेस्टिवल, ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद सिरुई लिली फेस्टिवल, ये है मणिपुर का प्रमुख त्यौहार, सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर। नेक्स्ट है कारंजी लेक फेस्टिवल, कारंजी लेक फेस्टिवल कर्नाटक का है। इसके बाद लोसार फेस्टिवल, लोसार फेस्टिवल लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पॉट। स्टैटिक जीके के इस पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ म्यूजियम्स इन इंडिया, भारत में जो भी महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं वो कहाँ हैं, उनके क्या नाम हैं, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। इसके अलावा हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, MCQs और गवर्नमेंट स्कीम्स के भी रेगुलरली वीडियोज आ रहे हैं, आप उन्हें भी फॉलो करिए ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और आसान हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है नेशनल म्यूज़ियम, इसकी लोकेशन है दिल्ली और आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है नेशनल म्यूज़ियम जो कि दिल्ली में है। दूसरा है इंडियन म्यूज़ियम, इंडियन म्यूज़ियम कहाँ है, ये है कोलकाता में। नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली में है जबकि इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता। नेक्स्ट है गवर्नमेंट म्यूज़ियम चेन्नई। तो तीनों के ही नाम इस तरीके से कि आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि नेशनल, देखिए नेशनल नेशनल कैपिटल दिल्ली, इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता और गवर्नमेंट म्यूज़ियम कहाँ है, ये है चेन्नई में। नेक्स्ट देखते हैं रेल म्यूज़ियम, रेल म्यूज़ियम ये कहाँ पर है, दिल्ली में। इसके बाद है अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम ये है जयपुर में। नेक्स्ट है कैलिको टेक्सटाइल म्यूज़ियम, ये टेक्सटाइल की प्रदर्शनी यहाँ पर होती है, तो ये कहाँ पर है, ये है अहमदाबाद में। अहमदाबाद को आप एक टेक्सटाइल सिटी भी बोल सकते हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि टेक्सटाइल म्यूज़ियम कहाँ पर है, कैलिको टेक्सटाइल म्यूज़ियम अहमदाबाद। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डॉल्स म्यूज़ियम, अंतर्राष्ट्रीय जो है गुड़ियों का जो संग्रहालय है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके बाद देखें तो सिटी पैलेस, सिटी पैलेस कहाँ है, ये जयपुर में है। नेक्स्ट है बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूज़ियम, ये कहाँ पर है, ये है कोलकाता में। आगे देखें तो HAL एरोस्पेस म्यूज़ियम, HAL एरोस्पेस म्यूज़ियम कहाँ पर है, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में ही आपको इसरो का भी मुख्यालय देखने को मिल जाएगा, तो HAL एरोस्पेस म्यूज़ियम भी बेंगलुरु में है। ये क्या करते हैं HAL, ये हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं ये डिज़ाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेपियर म्यूज़ियम, नेपियर म्यूज़ियम कहाँ पर है, ये तिरुवनंतपुरम में है। उसके बाद देखें तो क्राफ्ट्स म्यूज़ियम, क्राफ्ट्स म्यूज़ियम कहाँ है, या शिल्प संग्रहालय बोलें तो ये कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। आगे देखें दक्षिण चित्रा म्यूज़ियम, दक्षिण चित्रा म्यूज़ियम कहाँ पर है, ये चेन्नई में है। नेक्स्ट है सलारजंग म्यूज़ियम, सलारजंग म्यूज़ियम है हैदराबाद में। इसके बाद देखें तो नेहरू म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी, ये है दिल्ली में। नेक्स्ट है गुजारी महल आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, ये है ग्वालियर में। नेक्स्ट टीक म्यूज़ियम, टीक म्यूज़ियम है नीलांबर केरला में। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल म्यूज़ियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल म्यूज़ियम ये कहाँ पर है, ये है अहमदाबाद में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, एक ये एक शॉर्ट वीडियो है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो के देखने के लिए थैंक यू, आप ऐसे ही हमारे सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पॉट। स्टैटिक जीके के पार्ट 16 में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ गार्डन्स इन इंडिया, भारत में जो भी महत्वपूर्ण बगीचे या फिर उद्यान हैं उनके नाम क्या हैं और वो कहाँ हैं, किस शहर में है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि SBI क्लर्क के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, इनकी रेगुलर अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन, ये है कोलकाता में। ये मेनली बनियान ट्री या बरगद के पेड़ों के लिए फेमस है। इसके बाद है वृंदावन गार्डन, ये है मैसूर में, ये कृष्ण राजा सागर डैम के पास में है, ठीक है। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू बोटैनिकल गार्डन, ये है सिक्किम गैंगटॉक में। नेक्स्ट है चंबल गार्डन, चंबल गार्डन या चंबल उद्यान, ये कोटा राजस्थान में है, चंबल नदी के किनारे है ये। नेक्स्ट है चश्मेशाही, चश्मेशाही है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद है लोधी गार्डन, लोधी गार्डन आपको देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हैंगिंग गार्डन, हैंगिंग गार्डन आप देख सकते हैं कि ये है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कालिंदी कुंज, कालिंदी कुंज आपको देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में। इसके बाद है लाल बाग, लाल बाग ये आपको देखने को मिलेगा बेंगलोर कर्नाटक में। नेक्स्ट है लॉयड्स बोटैनिकल गार्डन, ये देखेंगे आप ये है दार्जिलिंग में। नेक्स्ट है मालमपुजा गार्डन, मालमपुजा गार्डन आप देखेंगे ये है पलक्कड़ में। नेक्स्ट है निषद बाग, निषद बाग श्रीनगर में। इसके बाद है सरिता उद्यान, सरिता उद्यान आप देखेंगे ये है गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है पिलिकुला बोटैनिकल गार्डन, पिलिकुला बोटैनिकल गार्डन ये आप देख सकते हैं ये है मैंगलोर में। इसके बाद है पिंजौर गार्डन, पिंजौर गार्डन आप देखेंगे ये है पंचकुला हरियाणा में। नेक्स्ट है सज्जन निवास गार्डन, सज्जन निवास गार्डन जैसे गुलाब बाग भी बोलते हैं, ये है उदयपुर राजस्थान में। इसके बाद है रॉयल बोटैनिकल गार्डन, ये आपको देखने को मिलेगा हावड़ा में वेस्ट बंगाल में। इसके बाद इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप या इसको सिर्फ ट्यूलिप गार्डन के नाम से भी फेमस है ये, तो ये आपको देखने को मिलेगा श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद है मुगल गार्डन, मुगल गार्डन ये आपको राष्ट्रपति भवन में न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पॉट। स्ट्रैटेजी के किस पार्ट में हम करने वाले हैं लिस्ट ऑफ कप्स एंड ट्रॉफीज, वेरियस स्पोर्ट्स में जो भी ट्रॉफीज एंड कप्स दिए जाते हैं उनका क्या नाम है और वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, किस खेल से रिलेटेड है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है हॉकी, हॉकी में हॉकी की जो ट्रॉफीज़ हैं कप्स हैं उनका नाम है, पहला है आगा खां कप, दूसरा है अजलन कप, तीसरा बॉम्बे गोल्ड कप, नेक्स्ट है चैम्पियंस ट्रॉफी, इसके बाद ध्यानचंद ट्रॉफी, फिर है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, नेक्स्ट महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, फिर मुरुगप्पा गोल्ड कप, फिर है नेहरू ट्रॉफी, फिर है रंगेश्वरी कप, नेक्स्ट है साई इंडिया गोल्ड कप एंड नेक्स्ट है स्टैनली कप। ये सारे रिलेटेड हैं हॉकी से। नेक्स्ट आते हैं फुटबॉल की कैटेगरी में। फुटबॉल में आपको देखने को मिलेगा बंदोदकर कप, कोलंबो कप, कन्फेडरेशन कप, डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी, दूरन कप, ग्रे कप, हीसमन ट्रॉफी, जूल्स रिमेट ट्रॉफी, कलिंगा कप, मैक्सिलन ट्रॉफी, मिरंडिका कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, स्कॉटिश कप, टॉड मेमोरियल ट्रॉफी एंड विट्टल ट्रॉफी। नेक्स्ट है बैडमिंटन, बैडमिंटन से रिलेटेड है अग्रवाल कप, चड्ढा कप, हरिलेला कप, इब्राहिम रहमतुल्ला चैलेंजर कप, इसके बाद कितियारा कप, कॉनिका कप, थॉमस कप एंड ओबर कप। नेक्स्ट स्पोर्ट है टेनिस, टेनिस रिलेटेड जो ट्रॉफीज़ हैं वो है डेविस कप, विंबलडन, यूथ हैंड कप। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है क्रिकेट, क्रिकेट से रिलेटेड जो ट्रॉफीज़ हैं वो है एशेज कप, सी के नायडू ट्रॉफी, देवदार ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, जिलेट कप, ईरानी ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू कप, मोइनुद्दल्ला का गोल्ड कप, रणजी ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रोहतमांस कप, सहारा कप, शारजाह कप, विजय हजारे ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी एंड विजडन ट्रॉफी। नेक्स्ट स्पोर्ट है गोल्फ, गोल्फ से रिलेटेड ट्रॉफीज़ हैं अगस्ता मास्टर्स, लाइनर्स ओपन, प्रिंस ऑफ वेल्स कप। इसके बाद है लॉन टेनिस, लॉन टेनिस स्पोर्ट से रिलेटेड जो ट्रॉफीज़ हैं वो है हॉफमैन कप एंड हिनकिन कप। इसके बाद टेबल टेनिस, टेबल टेनिस की जो ट्रॉफीज़ हैं वो है बामा बेलेक कप, स्वेथलिंग कप एंड त्रावणकोर कप। नेक्स्ट है रग्बी, रग्बी से रिलेटेड जो है बेलेडिस स्लो कप,
ब्लेडिसोल कप, कलकत्ता कप, विंबलडन, वेब इलिस कप। नेक्स्ट है वेट लिफ्टिंग की ट्रॉफी है बर्डवान ट्रॉफी। इसके बाद है पोलो की जो कप एंड ट्रॉफी है वो है वेस्ट चेस्टर कप, राधा मोहन कप एंड एज्रा कप। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। टिल देन गुड बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट। स्टैटिक जी के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ वाटरफॉल्स इन इंडिया, भारत में जो भी महत्वपूर्ण झरने हैं वो उनके क्या नाम है वो और वो किस स्टेट में है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है एक स्टैटिक जीके का, इससे आपका एक नंबर तो ज़रूर पक्का हो सकता है। वेरियस एग्जाम में आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, वाटरफॉल से एक आधा क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका स्टेट में जो वाटरफॉल्स हैं वो हैं, पहला है कुंचिकल वाटरफॉल, फिर है गोकक वाटरफॉल्स, फिर है मेकादातु फॉल्स, नेक्स्ट है जोग फॉल्स, नेक्स्ट है शिवानसुंदरम फॉल्स, इसके बाद है बरकाना फॉल्स, फिर है कालहाटी फॉल्स, फिर है केदुमारी फॉल्स। तो ये सब है कर्नाटक में। नेक्स्ट है केरला। केरला में जो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स हैं वो हैं एथिरपल्ली फॉल्स, वजांचल फॉल्स, मीनमुत्ती फॉल्स एंड सुचिपारा फॉल्स। नेक्स्ट है तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु स्टेट में आपको जो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे वो हैं होनिंगल फॉल्स, वत्तपराई फॉल्स, पाइकारा फॉल्स, किलियूर फॉल्स। नेक्स्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा इथिपोला फॉल्स, कपिला तीर्थम, तालाकोना। तो आपको आंध्र प्रदेश में तीन इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, इथिपोला, कपिला तीर्थनम एंड तालाकोना फॉल्स। नेक्स्ट स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा जोरांदा फॉल्स, दादुमा वाटरफॉल्स, खानदादर फॉल्स, बारेही पानी फॉल्स, दुदुमा फॉल्स। नेक्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखने को मिलता है हमें येन्ना फॉल्स, पुणे फॉल्स, पांडवगढ़ फॉल्स। नेक्स्ट है गोवा। गोवा में आपको देखने को मिलेगा दूधसागर फॉल्स जो कि बहुत फेमस है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भाग सुनंग वाटरफॉल्स, तो हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा भाग सुनंग वाटरफॉल एंड बुंदला फॉल्स। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में है नुरांगनंग फॉल्स। नेक्स्ट मिजोरम। मिजोरम में वानतवांग फॉल्स। छत्तीसगढ़ का जो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है वो है तीरथगढ़ फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में वैसे तो आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, बट इम्पॉर्टेंट है सहस्त्रधारा फॉल्स एंड टाइगर फॉल्स। नेक्स्ट स्टेट है मेघालय। मेघालय में एलिफेंट फॉल्स, कालिकई फॉल्स, गिथियांग फॉल्स एंड नेक्स्ट है किन्रेम फॉल्स, बिशो फॉल्स, बियादोन फॉल्स, लांगशियांग फॉल्स। नेक्स्ट स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा चित्तौड़गढ़ फॉल्स। नेक्स्ट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा धुआंधार फॉल्स, कपिलधारा फॉल्स, चाचाई फॉल्स, केवटी फॉल्स, रजत प्रताप फॉल्स, घाटा फॉल्स। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड में आपको देखने को मिलेगा राजरपा फॉल्स, राजरपा वाटरफॉल्स, हुंद्रू फॉल्स, लोद फॉल्स, लोअर घाघरी फॉल्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पॉट। स्टैटिक जीके के एक और टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं अपना पार्ट 19 लेकर के, और इसमें हम देखेंगे लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया, भारत में जो भी महत्वपूर्ण लेक्स हैं उनके बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको जो लेक्स देखने को मिलेंगी वो है एक पुलिकट लेक, वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट कोलेरू लेक, इसके बाद है नागार्जुन सागर लेक।
देखिए ये दोनों तो नेचुरल हैं और ये कृत्रिम है। कृत्रिम लेक या आप कह सकते हैं जैसे बांध बनाए जाते हैं तो वहाँ पर जो लेक्स होती हैं, झील होती है, उन्हें हम कृत्रिम झील या फिर आर्टिफिशियल लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टेट आसाम। आसाम में आपको देखने को मिलेगा हाफलोंग लेक। आसाम में है हाफलोंग, डिपोर बिल लेक, सोन बिल एंड चांदुबी लेक और चंद पानाला लेक। नेक्स्ट स्टेट है बिहार। बिहार में आपको देखने को मिलेगी कनवर लेक। गुजरात, गुजरात में आपको देखने को मिलेगी हमीरसार लेक या हमीरसार झील, कनकैरा झील, नारायण सरोवर, थोल लेक, वस्त्रापुर लेक एंड सुरसागर लेक और उसके बाद है लखोटा लेक। ये आपको गुजरात में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा बदकल झील, ब्लू बर्ड झील, ब्रह्म सरोवर, दमदमा लेक या दमदमा झील, नेक्स्ट कर्ण झील, तिलियार झील और सन्निहित सरोवर झील। नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी आपको चंद्रताल झील, सूरजताल झील, महाराणा प्रताप सागर झील, प्रसार झील, भृगु झील, दशहर एंड धनकर झील, करेरी एंड कुमारवाह झील, खज्जैर लेक और मच्छियल, खज्जैर और मच्छियल। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपको देखने को मिलेगी डल झील, बहुत फेमस है जो पैंगोंग सो लेक। ये आप इसको भी आप जान गए होंगे क्योंकि ये लास्ट ईयर कितना न्यूज़ में रही थी। नेक्स्ट बुलर झील, इसके बाद है सो TSO को वहाँ पे सो पढ़ते हैं, इसका मतलब ही लेक होता है। वैसे तिब्बती भाषा में सो का मतलब ही लेक होता है। सो मोरेरी झील। नेक्स्ट है शेषनाग झील और इसके बाद है मानसवल झील और मानसर झील। नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगी अगारा लेक है ये, अगारा झील। नेक्स्ट है बेलंदूर झील, कराची झील, क्योंकि कराची झील आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट उलसूर झील और उसके बाद है कुकराहाली झील और होन्ना माना झील, पांपा झील, पांपा सरोवर झील। नेक्स्ट है केरला। केरला में आपको देखने को मिलेंगे अष्टमुदी कायल झील, कुट्टनाथ झील, वेम्बनाथ जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहती है। नेक्स्ट सस्टम कोटा झील, मनाकोडी झील, मनाकोडी कायल। नेक्स्ट है पारावूर कायल। नेक्स्ट है पुन्नावडा लेक और वेल्लायानी झील और वंचीकुल्लम झील। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे भोजताल, लोअर झील, मोती झील, सरंग पानी झील और अपर लोअर झील और अपर झील, यहाँ पे आपको दोनों देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट में आपको देखने को मिलेगी सलीम अली झील, शिवसागर झील, लोनार झील, लोनार झील भी लास्ट ईयर बहुत न्यूज़ में थी, गोरेवाड़ा झील, खिंसडी झील, मेहरून झील और पाषाण झील और इसके बाद पोवाई झील, उपवन झील और वेन्ना झील। नेक्स्ट मणिपुर। मणिपुर की लोकटक लेक बहुत फेमस है और यहाँ पर जो है हमारा पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट मेघालय। मेघालय में उमायम झील। नेक्स्ट मिजोरम। मिजोरम में ताम दिल और पलक दिल। नेक्स्ट ओडिशा। ओडिशा में चिलिका झील, खंजिया झील और अंसुपा झील। नेक्स्ट देखते हैं पंजाब में। पंजाब में हरके बैराज में हरके झील है और रूपर झील। नेक्स्ट राजस्थान। राजस्थान में सांभर झील, राजसमंद झील, अनासागर झील, बालसमंद झील, देभार झील, जैसमंद झील, कल्याणा झील, नक्की झील, रामगढ़ झील, फतेह सागर लेक और उदय सागर लेक। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम में आपको देखने को मिलेगी सोमगो लेक, केचुप्लरी झील, गुरुडोंगमार झील और लेक चोलामो। नेक्स्ट स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगी हुसैन सागर झील, भद्रकाली झील, अलवल चेरुवु झील, हिमायत सागर झील, उस्मान सागर, सफिल गुदा झील, सरनूर नगर झील और शामीरपेट लेक। नेक्स्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगी चेम्बारम्बक्कम
झील, रेड हिल्स झील, रेड हिल्स लेक, शोलावरम लेक एंड वीरानम लेक। नेक्स्ट स्टेट है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी बेला सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, अमखेरा झील, बड़ी झील और भरुआ सागर ताल और नचन ताल। नेक्स्ट उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेंगे भीमताल, नैनीताल, सात ताल, इसके अलावा भी कई ताल हैं बट ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में देवार झील, सेंचाल झील, संतरागाची झील और मिरिक झील। तो लेक्स की वीडियो में बस इतना ही। आप स्टैटिक की वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, इन सभी से आपका एक एक क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से रिवीजन करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पॉट। स्टैटिक जीके के पार्ट 20 में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। भारत में जो भी विभिन्न नृत्य कलाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं, किस राज्य में उन्हें किस नाम से जाना जाता है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेंगे भरतनाट्यम, कवड़ी, कोलट्टम और कुमी। कौन कौन से हैं ये? भरतनाट्यम, कवड़ी, कोलट्टम एंड कुमी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा कथक, चापेली, जैता, जोरा, खजरी, नौटंकी और रासलीला। कौन से हैं ये? कथक, चापेली, जैता, झोरा, कजरी, नौटंकी और रासलीला। नेक्स्ट है केरला। केरला में आपको देखने को मिलेगा कथकली, मोहिनी अट्टम, कई कोटिकली, कलियोट्टम, ओट्टम थुलाल और तपट्टिकली। ठीक है, कौन से हैं ये? कथकली, मोहिनी अट्टम, कई कोटिकली, कलियोट्टम, ओट्टम थुलाल और तपट्टिकली। देखिए आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए और जब आपको टाइम लगे तब एक बार रिवीजन करके एग्ज़ाम के पहले भी एक बार इसे देख लेंगे तो आपके दिमाग में ये रह जाएंगे। इनसे भी आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है। डांस फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो मेन डांस फॉर्म्स हैं जैसे कि तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश का कथक, रासलीला, नौटंकी, केरला का मोहिनीअट्टम, कथकली, ये जो है ना ये तो आपको बिल्कुल याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हैं कुचिपुड़ी, छड़ी, घंटा मर्दाला, माधुरी, माधुरीअट्टम थेडल और सिधी। यह है कुचिपुड़ी, छड़ी, घंटा मर्दाला, माधुरी, माधुरीअट्टम थेडल और सिधी। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा मणिपुरी, महारश, नटरश, राखाल और रौकत। कौन से हैं ये? मणिपुरी, महारश, नटराश, राखाल और रौकत। नेक्स्ट स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा उड़ीसी, छडिया, दानदानाता, छाऊ, घुमरा, मुनारी, पेनिक्का और सावरी। तो कौन से हैं ये? उड़ीसी, छडिया, दानदानाता, छाऊ, घुमरा, मुनारी, पेनिक्का और सावरी। नेक्स्ट स्टेट है असम। असम में आपको देखने को मिलेगा सतरिया, बगुरुम्बा, बिछुआ, बिहू, कनोए, झुमरा, होबजानाई, काली गोपाल, खेल गोपाल, महारस, नागडांस, नट पूजा और तबल चोंगली। ठीक है, तो ये आसाम के हो गए। नेक्स्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का है मुखौटा नृत्य और वार डांस, दो ही इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, मुखौटा नृत्य और वार डांस। नेक्स्ट है बिहार। बिहार का है भाखो बखैन, विदेशिया, जाता जतिन, जत्रा, पनवरिया और समा चकवा। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का है गौड़ी, झूमर, कर्मा, डागला, दिवारी, मुंदरी, नवरानी, पाली और तपाली। ये हो गए छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं तो ये है गोवा। गोवा के हैं डांस फॉर्म दकनी, झागोर, खोल और मांडी। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में देखें तो ये है भावाई, डांडिया रास, गरबा, तिपन्नी, जुरैन। ठीक है, तिपन्नी, जुरैन ये और डांडिया रास, भावाई, गरबा, ये हो गए गुजरात के। नेक्स्ट स्टेट है हरियाणा। हरियाणा के हैं दाफ, धमाल, घगोर, घुग्गा, झूमर, खोर, लूर, फाग और फाग डांस। फाग डांस जो है ये होली के टाइम पे होता है।
नेक्स्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में हो गए का है, हिमाचल प्रदेश के डांस फॉर्म्स हैं चंबा, चपेली, चरई, दाफ, दांगी, धमन, जैनता, झाली झोरा और महसू और नटी। नेक्स्ट स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों यूटीज़ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूटी, ये तो इनके डांस फॉर्म्स हैं धमाली, हिकत, कुड डांडी नाच, मजस और राउफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, तो ये है झारखंड। झारखंड के जो डांस फॉर्म्स हैं ये है बिदेसिया, चानू, डांगा, चाट जटिन, कर्मा, सराहुल और सोहरई। ठीक है, कौन से हैं ये? बिदेसिया, चानू, डांगा, जाट जटिन, कर्मा, सराहुल और सोहरई। नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटका, कर्नाटका का है हुट्टर, करगा, कुनिथा, लंबी, सुग्गी और यक्षगन। ठीक है, यक्षगन। नेक्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का है मटकी, अहिरई, बधाई, बारेदी, भगोरिया, गंगौर और नौराता। देखिए भगोरिया एक ट्राइब का नाम है और गंगौर जो है, हम लोगों ने गंगौर फेस्टिवल वाले वीडियो में भी देखा था, गंगौर एक फेस्टिवल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के डांस फॉर्म्स हैं बोहदा, गाफा, गौरिचा, कोली, लवानी, लेजिम, मौनी, नकटा, पोवारा और तमाशा। ठीक है, तो ये सब महाराष्ट्र के डांस फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट है मेघालय, मेघालय का है बाला और लाहो। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, तो ये है मिजोरम, मिजोरम के हैं चिरोकन, खांटम और पाकुपिला। ठीक है, यह है चेरोकम, खांतम और पाकुपिला। नेक्स्ट है नागालैंड, नागालैंड के हैं छूंग, खैवा, लिम, नुरैलिम। ठीक है, छूंग, खैवा, लिम और नुरैलिम नागालैंड के हैं। नेक्स्ट पंजाब, पंजाब का भांगड़ा किसे नहीं पता है, भांगड़ा, दाफ, दामन और गिद्दा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट है राजस्थान, राजस्थान के हैं चाकरी, गनगौर, घप्पल, घूमर, गिनान, झूलन, झूलन लीला, झूमा और पनिहारी और सुइशनी। ठीक है, ये हो गए राजस्थान के। नेक्स्ट स्टेट है सिक्किम, सिक्किम के हैं सिंघई चाम, चूफाट, गेलिंग यांग डांस, घांटू, किंचुम चूबोमसा, मरूनी डांस, न्योंगरी न्यूत, शेलो, शेरपा डांस, तमांगसेलू और याक चाम डांस। ये हो गए सिक्किम के। नेक्स्ट स्टेट है त्रिपुरा, त्रिपुरा का है बीजू डांस, छिराओ, दैलो नृत्य, गजन गालामुचामो, गरिया डांस, हाई हक डांस, होजागिरी, झूम डांस, लेबांग बूमनी, संगरई मुग डांस और ब्याह डांस। ठीक है, ये त्रिपुरा के हो गए। नेक्स्ट स्टेट उत्तराखंड, उत्तराखंड का है चापेली, गढ़वाली, झोरा, कजरी, कुमायुनी और रासलीला। ठीक है, आपको जो भी नेबरिंग स्टेट्स दिखेंगे तो उनके आपको कुछ डांस फॉर्म्स भी सेम दिखेंगे, क्योंकि जो ये अधिकतर ऐसे डांस फॉर्म्स होते हैं जो ट्रेडिशनली किसी ट्राइब के द्वारा या किसी एक जाति विशेष या समुदाय के द्वारा किए जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही स्टेट में पाए जाएँ, वो किन्हीं दो स्टेट्स के बॉर्डर पे भी रह सकते हैं, तो वो आपको दोनों स्टेट्स में देखने को मिलेंगे उनके जो कल्चर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में है बाउल, ढाली, गंभीरा, जात्रा, खाटी, कीर्तन, महाल और मरासिया। ठीक है, तो ये हो गए वेस्ट बंगाल के। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी हमारी स्टैटिक की सीरीज़ कंप्लीट होने जा रही है, इसके बाद हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोई नई सीरीज शुरू करेंगे, तो आप रेगुलरली हमारे वीडियोस को फॉलो करते रहिए, जैसे कि एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं और लगातार रिविजन्स करते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पॉट। स्टैटिक जीके के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, यानी कि जो जल विद्युत परियोजनाएँ हैं जिनसे हम बिजली उत्पन्न करते हैं, वो डैम्स वगैरह के थ्रू जब हम बिजली बनाते हैं तो उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि ये इंडिया में कौन कौन से हैं, कहाँ हैं, किस नदी पर हैं।
चलिए वीडियो में देखते हैं आगे। सबसे पहला है भाखरा नांगल। भाखरा नांगल ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये है सतलज रिवर पे, स्टेट है हिमाचल प्रदेश। देखिए ये सारे हिमाचल प्रदेश के ही हैं। और ये कौन कौन सी रिवर्स पे हैं? देहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये है ब्यास नदी पर। बैरा सियोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये है बैरा नदी पर। नेक्स्ट बैरा से इसका सोर्स है, फिर आगे ये इंडस में मिल जाती है जाके। नेक्स्ट है नाथवा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये सतलज नदी पर है। नेक्स्ट बसपा टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ये है बसपा रिवर पर। नेक्स्ट पंडू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये है ब्यास नदी पर। चमेरा टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ये है रावी नदी पर। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में आपको सतलज, ब्यास, बैरा, बसपा और रावी, मेनली इन पर ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट में टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक ये है टिहरी, जिसपे ये जो डैम है टिहरी डैम जिसे बोलते हैं, ये भागीरथी नदी पर है। ठीक है, इसके बाद है टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है शारदा नदी पर। नेक्स्ट है धौली गंगा वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये धौली गंगा नदी पर है। नेक्स्ट स्टेट है पंजाब। पंजाब में सतलज पर भाखरा नांगल, जो कि हिमाचल और पंजाब दोनों के बीच में आता है, तो ये है पंजाब सतलज पे। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेट जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख यूटी। तो जम्मू एंड कश्मीर में है, वैसे ये दोनों ही झेलम चिनाब वाले, ये दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर में आते हैं। उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये है झेलम नदी पर। सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये है चिनाब नदी पर। नहीं, और दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये भी चिनाब नदी पर है। देखिए ये जो सतलज, चिनाब, झेलम, ब्यास, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये सब इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट में रिवर कोयना पर है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। नेक्स्ट है भीरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये आपको देखने को मिलेगा मुला और नीला नाम की नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट महानदी, ये है उड़ीसा में। उड़ीसा में अगला जो पावर प्लांट है वो है बालीमेला, ये है सिलेरू नदी पर। नेक्स्ट स्टेट केरला। केरला में आपको पेरियार नदी पर देखने को मिलेगा इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, यही इडुक्की डैम भी है। नेक्स्ट कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, और इसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो है श्रीसैलम। और अगला जो है आंध्र प्रदेश का कृष्णा नदी पर ही बना है नागार्जुन सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात। गुजरात में नर्मदा पर है सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। नेक्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा सोन नदी पर बाणसागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसके बाद नर्मदा नदी पर आपको तीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स देखने को मिलेंगे। एक है बारगी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, दूसरा है ओमकारेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तीसरा है इंदिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये तीनों ही आपको नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सुबर्णरेखा। सुबर्णरेखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है सुबर्णरेखा नदी पर, और स्टेट है झारखंड। नेक्स्ट लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये है लिमटक में, मणिपुर में, मणिपुर स्टेट में। स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका में आपको श्रावती नदी पर देखने को मिलेगा श्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसके बाद दूसरी नदी है कालिंदी। काली नदी पर आपको काली नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देखने को मिलेगा। ये दोनों ही कहाँ है? कर्नाटका में। और तीसरा है कावेरी नदी पर श्री सिवन सुंदरम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये आपको तीनों ही कर्नाटका में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है सिक्किम स्टेट में तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये तीस्ता नदी पर है। और इसके बाद रंगीत नदी पर रंगीत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो तीस्ता और रंगीत आपको दोनों ही सिक्किम में देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पॉट। स्टैटिक जीके के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। देखिए इससे पहले जितने भी स्टैटिक जीके के वीडियोज़ आ चुके हैं, आप उनको अच्छे से रिवाइज़ करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी करीब है, तो आप जितना रिवीजन करेंगे आपको ये उतना ही अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। देखिए इंडिया में अभी 51 टाइगर रिजर्व्स हैं, और इनकी जो देख रेख करते हैं वो करती है एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के द्वारा इनकी देखरेख करी जाती है अंडर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत में, ठीक है। और इंडिया में लगभग विश्व का, वर्ल्ड का 80% टाइगर मिलता है। और हमने जो है पिछले कुछ सालों में टाइगर की संख्या हमारे में बहुत गिर गई थी, इसमें हमने काफ़ी अच्छा सुधार करा है। देखिए 2006 में जहाँ 1411 टाइगर्स थे इंडिया में, वहीं ये बढ़कर 2010 में 1706 हुए, 2014 में 2226 हुए, और उसके बाद 2018 में हर 4 साल में टाइगर सेंसस होती है। उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि 2018 में इनकी संख्या 2967 लगभग 3000 के करीब पहुंच गई, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। और इसके लिए ग्लोबल टाइगर डे जो मनाया जाता है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं और किस स्टेट में है। पहला है नागार्जुन श्रीशैलम, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अब तक आपने नागार्जुन श्रीशैलम को कई बार स्टैटिक के वीडियोस में देखा होगा, जैसे आपने डैम वाले वीडियोस में देखा कृष्णा नदी पर, और अभी इससे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाले वीडियो में देखा, तो अब तक आपको याद हो ही जाना चाहिए। नेक्स्ट है नामदफा, नामदफा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद कामलांग टाइगर रिजर्व, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में आपको नामदफा, कामलांग और पक्के टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेट है आसाम में, आसाम में आपको देखने को मिलेगा मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, ओरांग टाइगर रिजर्व और काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो मानस, नामेरी, ओरांग और काजीरंगा आपको आसाम में देखने को मिलेंगे। आप इनको जितनी बार पढ़ेंगे आपको ये याद होते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेट है बिहार, बिहार में आपको देखने को मिलेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसके बाद छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे उदंती सीतानाड़ी टाइगर रिजर्व, कौन सा है, उदंती सीतानाड़ी टाइगर रिजर्व। इसके बाद देखें तो छत्तीसगढ़ में आचनकमर टाइगर रिजर्व है, और छत्तीसगढ़ में ही इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट जो है वो पलामू टाइगर रिजर्व, ये है आपको देखने को मिलेगा झारखंड में, ठीक है। ये काफ़ी न्यूज़ में था लास्ट ईयर, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड। इसके बाद कर्नाटक में बांदीपुरा बहुत फेमस है, जो कि बांदीपुरा टाइगर रिजर्व। इसके बाद कर्नाटक में ही है भद्रा टाइगर रिजर्व, और कर्नाटक में ही देखने को मिलेगा आपको डांडेली आंशी टाइगर रिजर्व। इसके अलावा कर्नाटक में है नागरहोल टाइगर रिजर्व और बिलीगिरी रंगनाथा टेम्पली टाइगर रिजर्व होगा यहाँ पे। इसके बाद केरला में आपको देखने को मिलेगा पेरियार टाइगर रिजर्व और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, पेरियार और परम्बिकुलम ये आपको केरला में देखने को मिलेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा कान्हा टाइगर रिजर्व, और मध्य प्रदेश ही वो स्टेट है जहाँ पे टाइगर्स की संख्या सबसे अधिक है, और इसके बाद है कर्नाटक। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में टाइगर पाए जाते हैं और उसके बाद कर्नाटक में, ठीक है। मध्य प्रदेश में और भी टाइगर रिजर्व होंगे, तो वो हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और सतपुरा टाइगर रिजर्व, ओके। देखिए मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और सतपुरा। इसके अलावा पेंच को भी बनाने की बात चल रही है, तो अगर उसको इंक्लूड कर लेंगे तो 52 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। तो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे संजय धुबरी, मेलघाट, तड़ोबा अंधारी, सह्याद्री और नावेगांव नागजीरा, ठीक है। और इसके साथ ही बोर टाइगर रिजर्व, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। इसके बाद स्टेट है मिजोरम, मिजोरम में आप देखेंगे दाम्फा टाइगर रिजर्व, दाम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में। इसके बाद उड़ीसा में देखें तो उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोसिया, ऐसे दोनों सिमलीपाल सतकोसिया ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट है राजस्थान, राजस्थान में रणथंबोर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व, इसके साथ ही मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विश्वधारी WLS, ये भी आपको नया ही देखने को मिलेगा, ये जो नया बना हुआ है। तो ये राजस्थान में हो गए 4, रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंद्रा हिल्स और रामगढ़ विश्वधारी। इसके बाद देखते हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कालाकाट, मुदंथुरई टाइगर रिजर्व, इसके अलावा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, और इसके साथ ही सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही तमिलनाडु में आप देखेंगे श्री विल्लीपुत्तूर, मेघामलाई टाइगर रिजर्व,
ये 51 जो लेटेस्ट बना है ये वो है, तो आप इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा। नेक्स्ट कावल टाइगर रिजर्व तेलंगाना और अमराफाट टाइगर रिजर्व तेलंगाना। देखते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में है दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और आमनगढ़ टाइगर रिजर्व, तो ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट स्टेट वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइगर रिजर्व्स का वीडियो। इनको आप मैप में देखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं जूम करके। ये है कॉर्बेट उत्तराखंड में, दुधवा पीलीभीत ये यूपी में। देखिए इसमें आपको सारे नहीं मिलेंगे, आपके पास जो भी लेटेस्ट एटलस हो, मैप हो, आप उसमें देखिएगा। ठीक है, ये नामदफा, पक्के, नामेरी, काजीरंगा, दामफा, मानस, बुक्शा, सुंदरबन, सिमलीपाल, सतकोशिया, नावेगांव, नागजीरा, कान्हा, अचनकवर, पन्ना, बांधवगढ़, पलामू, मुकुंद्रा हिल्स, हैदरी, दांदेली, अंशी, और ये आपको बहुत सारे आपको साउथ में और वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेंगे। आप इसको मैप में अच्छे से देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पॉट। स्टैटिक जीके के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क्स इन इंडिया। भारत के जो भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो कौन से हैं, किस स्टेट में है, और ये टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। देखिए इस समय इंडिया में 106 नेशनल पार्क्स हैं और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आते हैं। ये 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं और ये ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो टोटली लगभग पूरी तरीके से ही प्रोहिबिटेड होती हैं, यानी कि हर तरीके से वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी को मनाही होती है। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे इंडिया में जो अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान हैं वो कौन से हैं और किस स्टेट में हैं, कहाँ पर हैं। तो पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क। ये आपको तीन आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे नामदफा नेशनल पार्क, माउलिंग नेशनल पार्क, नामदफा और माउलिंग, इनमें से कई आपको जो हमने इससे पहले वीडियोस टाइगर रिजर्व्स के देखे हैं तो आप उससे भी कुछ कई नेशनल पार्क ऐसे हैं जिसमें कि टाइगर रिजर्व भी होते हैं, तो आपको कई इसमें से मैचिंग देखने को मिल सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। नेक्स्ट स्टेट है आसाम। देखिए आसाम में पहले 5 थे और अब 7 हो गए हैं। अभी रिसेंटली जून में ही 2 और को नोटिफाइड किया गया है नेशनल एज अ नेशनल पार्क। ठीक है, उससे पहले वो रिजर्व फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे, अब उनको नेशनल पार्क बनाया गया है। ये है रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट और देहिंग पटकई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अब इनको एज अ नेशनल पार्क नोटिफाइड किया गया है। और इसके अलावा है डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, और इसके अलावा 2 जो अभी नए बने हैं रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट और देहिंग पटकई। ठीक है, तो इससे आसाम में 7 नेशनल पार्क्स हो गए। चलिए आगे देखते हैं बिहार। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क और आपने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी देखा था। नेक्स्ट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती या कुटरू नेशनल पार्क और इसके अलावा कांगेर वैली नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास जिसका पहले नाम संजय नेशनल पार्क था। नेक्स्ट स्टेट है गोवा। गोवा में मोलेम नेशनल पार्क है। ठीक है, इसके बाद गुजरात। गुजरात में आप देखेंगे वानसदा नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क वेलावदर में, इसके अलावा गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ। मरीन नेशनल पार्क मतलब कि ये जो समुद्री एनवायरनमेंट होता, मतलब समुद्री जो एनवायरनमेंट होता है उसका उसका जो नेशनल पार्क है ये है गल्फ ऑफ कच्छ में, कच्छ की खाड़ी में। नेक्स्ट स्टेट है हरियाणा। हरियाणा में आप देखेंगे कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क।
इसके बाद हिमाचल प्रदेश में आ जाएं तो हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और सिम्बलबारा नेशनल पार्क। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली नेशनल पार्क, इसके और दाचीगम नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क जो है ये लार्जेस्ट है, सॉरी ये जो हेमिस है ये अब लद्दाख यूटी में आता है, सो कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। चलिए आगे देखते हैं झारखंड। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क, इसके बाद कर्नाटक में आंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क। इसके बाद केरला में आते हैं तो केरला में हमें देखने को मिलेगा अन्नमुदी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथईकेट्टन शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं ये हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क, फौजल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, इसे केवल पेंच नेशनल पार्क भी बोलते हैं, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। तो ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा 11 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। और इसके बाद नंबर आता है हमारी यूटी अंडमान एंड निकोबार का। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप देखेंगे चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क और तड़ोबा नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद मणिपुर में आप देखेंगे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो लोकटक झील पर है। उसके बाद मेघालय में बालफक्रम नेशनल पार्क, नोक्रेक रिज नेशनल पार्क। इसके बाद मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क और पावगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। इसके बाद नागालैंड में देखेंगे तो इंटांकी नेशनल पार्क, उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। इसके बाद राजस्थान में मुकुंद्रा हिल्स, दर्रा नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। इसके बाद आते हैं सिक्किम में आप देखेंगे कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसके बाद तमिलनाडु में गिंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नमलई नेशनल पार्क और मुदुमलई नेशनल पार्क और इसके साथ ही मुकुर्थी नेशनल पार्क। इसके बाद तेलंगाना में देखेंगे तो मुरुगवानी नेशनल पार्क, महावीर हरणा वनस्थली नेशनल पार्क, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। नेक्स्ट स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा में आप देखेंगे क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बिसन राजभरी नेशनल पार्क। नेक्स्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखेंगे आप कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सबसे पुराना है और ये 1936 में बना था और इसका नाम उस समय हिली नेशनल पार्क था, हिली रिजर्व था और अब जिसका नाम बदल के कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया 1970s के बाद में, जब 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, ठीक है। तो उत्तराखंड में और देखेंगे हम तो गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क हैं। इसके बाद वेस्ट बंगाल में देखें तो वेस्ट बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क, गौरमाता नेशनल पार्क, नेरोरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क और इसके साथ ही जल्दपारा नेशनल पार्क भी आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यूटी आती है अंडमान एंड निकोबार की। अंडमान एंड निकोबार में कैंपबेल बे नेशनल पार्क, गोलाथिया बे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन वंडू नेशनल पार्क। ऐसा आप देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार आइसलैंड है तो आइसलैंड में आपको मरीन और खाड़ी वाले नेशनल पार्क ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है मिडिल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, सैडल पीक ये भी इंपॉर्टेंट है, सैडल पीक नेशनल पार्क और साउथ बटन
आइसलैंड नेशनल पार्क। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पॉट। स्ट्रेटजी के किस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी आसान टॉपिक, लेकिन फिर भी इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। ये है स्टेट्स एंड कैपिटल्स। स्टेट्स इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं और उनमें उनकी जो यूटीज़ हैं वो, ठीक है। तो इस समय इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं? 28 एंड यूटीज़ 8। 28 स्टेट एंड 8 यूटीज़ हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश के साथ क्या है, इसकी कैपिटल अमरावती। अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और इसके अलावा भी आंध्र प्रदेश के दो कैपिटल्स हैं, एक विशाखापट्टनम जो कि एग्जीक्यूटिव है और एक कुरनूल जो कि जुडिशियल है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव विशाखापट्टनम, जुडिशियल कुरनूल और अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है। नेक्स्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। ये हमें नॉर्थ ईस्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। बिहार, बिहार की कैपिटल है पटना। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। गोवा, गोवा की कैपिटल है पणजी। गुजरात, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। हरियाणा, हरियाणा कैपिटल है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ और जो खुद भी एक यूटी है, इसके साथ ही पंजाब की भी कैपिटल है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और झारखंड की कैपिटल है रांची। कर्नाटका, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। देखिए हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में होती है, तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में है मणिपुर इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की ऐजवाल, नागालैंड की कोहिमा और उड़ीसा की भुवनेश्वर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट है पंजाब। पंजाब की भी चंडीगढ़ और इसके साथ ही चंडीगढ़ एक यूटी भी है, पहले बताया जैसे। उसके बाद राजस्थान जो सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज, उसकी कैपिटल है जयपुर। सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। सिक्किम जो कि ऐसा स्टेट है हमारा जो तीन ओर से इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है और एक साइड से हमारा हमारे देश का, ठीक है। नेक्स्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग नहीं हुए थे तो इनकी कैपिटल हैदराबाद थी, लेकिन आंध्र प्रदेश के अलग होने के बाद से उसने कुछ दिन तो हैदराबाद से ही काम किया, लेकिन अब वो अपनी तीन कैपिटल्स बना ली हैं। नेक्स्ट स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा कैपिटल है अगरतला। उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून और वेस्ट बंगाल की, अच्छा उत्तराखंड की एक समर कैपिटल भी बनी है लास्ट ईयर, उसको बोलते हैं गैरसैंण, ठीक है। समर यानी कि जब जब गर्मियों का टाइम होता है तो वहाँ से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की है कोलकाता। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की है जो ये सारी यूटीज़ हैं, चंडीगढ़ की चंडीगढ़। दादरा नगर हवेली सिलवासा, दमन एंड दीव दमन। देखिए दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, अब ये दोनों एक ही यूटी गिने जाएंगे, ये अलग अलग नहीं है। दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की न्यू दिल्ली है। जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर एंड जम्मू दोनों हैं, गर्मियों के टाइम पर श्रीनगर और सर्दियों के टाइम पर जम्मू। नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख की लेह है, लद्दाख यूटी की लेह। लक्षद्वीप की कवरत्ती और पुडुचेरी है, पौंडीचेरी की पुडुचेरी। इनको एक बार मैप पे देख लेते हैं। देखिए मैप देखने में आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी स्टेट किस स्टेट से बॉर्डर टच करती है, ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। जैसे ये लद्दाख यूटी है और ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी, लद्दाख की लेह, जम्मू एंड कश्मीर यूटी की श्रीनगर और जम्मू, ठीक है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश की शिमला, पंजाब की चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की, उसके बाद यहाँ पर दिल्ली, न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली था, और ये उत्तराखंड की देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, बिहार पटना, सिक्किम। सिक्किम देखिए एक और चाइना, एक और नेपाल और एक और भूटान है इसके, और यहाँ से आपको वेस्ट बंगाल को बॉर्डर टच करता हुआ दिख जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में देखें तो अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, असम की दिसपुर,
मेघालय शिलोंग, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम ऐज़वाल, त्रिपुरा अगरतला, ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद नीचे आते हैं तो मिडिल में यहाँ पर मध्य प्रदेश, और वेस्ट में राजस्थान, जयपुर, गुजरात, गांधीनगर। मध्य प्रदेश के बगल में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ रायपुर, उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा भुवनेश्वर, और झारखंड की रांची, वेस्ट बंगाल की कोलकाता। इधर आते हैं तो दमन दीव, दादरा नगर हवेली, दमन दीव हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, हाँ यहाँ भी आपको दादरा नगर हवेली देखने को मिलेंगे, जो अब एक ही हो गए, एक ही यूटी हो गए। और इसके बाद महाराष्ट्र की मुंबई, तेलंगाना हैदराबाद, गोवा पणजी, कर्नाटक बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश अमरावती, और इसके अलावा आपको इस मैप में नहीं है, लेकिन इसके अलावा आप ध्यान रखिए कि विशाखापट्टनम और कुर्नूल भी हैं। अब हमारे नीचे के दो स्टेट्स बच गए, केरला, केरला तिरुवनंतपुरम, और तमिलनाडु, तमिलनाडु की चेन्नई। देखिए जो पुडुचेरी या पौंडीचेरी है, जिसे पहले पौंडीचेरी बोलते थे और अब पुडुचेरी, ये आपको यहाँ ईस्टर्न कोस्ट पे और वेस्टर्न कोस्ट पे दोनों साइड देखने को मिल जाएगा। ये पुडुचेरी का माहे शहर, और पुडुचेरी का यहाँ पुडुचेरी, और यहाँ पुडुचेरी का कारकाइल। तो ये यूटी कुछ इस तरीके से ही है, जो आपको केरला और तमिलनाडु दोनों के ही साइड देखने को मिल जाएगी। यहाँ लक्षद्वीप, अरब सागर में लक्षद्वीप, इसकी कैपिटल कवरत्ती, और यहाँ अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट। स्टैटिक जीके के इस पार्ट 25 में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज, लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 4 जनवरी, पहला है 4 जनवरी। 4 जनवरी है वर्ल्ड ब्रेल डे, ब्रेल वर्ल्ड ब्रेल डे है, ठीक है। नेक्स्ट 24 जनवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, वैसे तो बहुत डेज होते रहते हैं, और इन डेज को आप याद रखने की कोशिश करिए। इसके साथ ही आप जब भी ये न्यूज़ में हो, और इनकी थीम क्या है, हर साल इनकी थीम बदलती रहती है, तो इनकी थीम क्या है वो आप करंट के हिसाब से अपना तैयार करते रहिए, ठीक है। ये ज़रूर, इससे आपको एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। 4 जनवरी हो गया वर्ल्ड ब्रेल डे, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है, तो उनके पढ़ने के लिए जो सुविधा, मतलब जो बनाया गया, उसको हम लोग ब्रेल लिपि बोलते हैं। तो लुई ब्रेल ने बनाई थी ये, उनके बर्थडे के दिन ही हम लोग वर्ल्ड ब्रेल डे बनाते हैं। नेक्स्ट है 24 जनवरी, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। 24 जनवरी है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। 27 जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 4th फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। 6th फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। नेक्स्ट 10 फरवरी है वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दलहनी दालों का दिवस है। 11 फरवरी है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं और लड़कियों के लिए जो विज्ञान में जो दिन मनाया जाता है वो है 11 फरवरी। 13 फरवरी है वर्ल्ड रेडियो डे। 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे है। 20 फरवरी है, 20 फरवरी है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। नेक्स्ट है 21 फरवरी या 21 फरवरी, ये है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 8 मार्च है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी कि कोई भी भेदभाव ना किया जाए, उसके लिए जो दिन मनाया जाता है वो है 1st मार्च। नेक्स्ट है 3rd मार्च, 3 मार्च ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। दुनिया में, विश्व में जो भी जानवर है, जंगली जानवर हैं, उनके लिए जो दिन मनाया जाता है वो है 3rd मार्च, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। नेक्स्ट है 8 मार्च, बहुत फेमस है इंटरनेशनल वुमेंस डे, बहुत फेमस, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है 20 मार्च, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है। नेक्स्ट है 21 मार्च है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ध्यान रखिएगा, 1st मार्च जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जबकि 21st मार्च इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो रेस
यानी कि कोई कहाँ से बिलोंग करता है उसके हिसाब से अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जाए उससे, तो उसके लिए दिन मनाते हैं वो है 21st मार्च। 21st मार्च इसके साथ ही पोएट्री डे भी होता है और इसके साथ ही ये वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च डाउन सिंड्रोम डे, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे विश्व जल दिवस, 23rd मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, पहले जल दिवस उसके बाद मेट्रोलॉजिकल यानी कि जो मौसम वैज्ञानिक का दिवस होता है वो है। नेक्स्ट 24 मार्च, 24 मार्च वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे या टीबी डे, 24 मार्च को ही होता है इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रूथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स। जो जिन लोगों के खिलाफ वायलेंस हो रहा है उनकी डिग्निटी का जहाँ हनन होता है, तो वहाँ उसके लिए जो दिन मनाया जाता है वो है 24 मार्च। 2 अप्रैल, 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ऑटिज्म के प्रति जो अवेयरनेस, ऑटिज्म एक तरीके की बीमारी है, इसके प्रति जो अवेयरनेस फैलाने के लिए दिन होता है वो 2 अप्रैल होता है। नेक्स्ट 4 अप्रैल इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन, जो खानों या खदानों के बारे में अवेयरनेस फैलाना, उनके बारे में जानकारी देना, इसके लिए जो दिन है वो है 4 अप्रैल। 6 अप्रैल है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, अंतर्राष्ट्रीय खेल का विकास एवं शांति का दिन है, यह है 6 अप्रैल। 7 अप्रैल है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को है, ये यूएन द्वारा मनाया जाता है। 12 अप्रैल, 12 अप्रैल है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, 12 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। नेक्स्ट है 21 अप्रैल, 21 अप्रैल वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, ठीक है, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। 22 अप्रैल है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 23 अप्रैल, ये 23rd अप्रैल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट, यानी जैसे किसी का किसी पर जिसने किसी ने अपना जो कंटेंट बनाया है, कुछ भी अपना बुक लिखी या कोई भी चीज़ बनाई है तो उस पर जो उसका अधिकार है, तो उस दिवस को मनाते हैं 23 अप्रैल को। नेक्स्ट 24 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस, 24 अप्रैल को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मल्टीलेटरिज्म और डिप्लोमेसी के लिए शांति में। नेक्स्ट 25th अप्रैल इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे है। नेक्स्ट है 25th अप्रैल को ही वर्ल्ड मलेरिया डे, इसके बाद 26 अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक जो किसी की संपत्ति होती है, यानी कि उसके दिमाग की उपज जो कोई चीज़ होती है, तो वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 28 अप्रैल वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, कार्य करने के स्थान पर सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए जो दिन मनाया जाता है वो है 28 अप्रैल। 30 अप्रैल इंटरनेशनल जैज डे, जैज एक तरीके का संगीत है और इसके लिए दिन मनाया जाता है ये 30 अप्रैल, 30 अप्रैल है। 2nd में वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना एक तरह की फिश है, इसके लिए 2nd मई का दिन होता है। 3rd में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, प्रेस यानी कि जो न्यूज़पेपर है, मीडिया है, इसके लिए इसको कितनी फ्रीडम होनी चाहिए उसके लिए जो दिन मनाते हैं वो 3rd मई। 11th में 2nd सैटरडे ऑफ मे जो है, 11th में या फिर जब भी ये 2nd सैटरडे मे का पड़ेगा तो उसमें जो दिन मनाते हैं वो है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। इसके बाद 15th में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज है, 16th में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, 16th मे को ही है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, 17th में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, 20th में वर्ल्ड बी डे, बी यानी मधुमक्खी, 21st में वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक विविधता के लिए जो भी डेवलपमेंट और बातें करी जाएं उसके लिए 21st में। 22nd में 22 मई इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल यानी कि जैविक जो विविधता है उसके लिए 22 मई का दिन। 29 मई या फिर 29th मई जो है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स, यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपर्स हैं उनके लिए दिन मनाते हैं वो है 29th मई। 31st मई है वर्ल्ड नो टोबैको डे, 1 जून ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स,
अंतर्राष्ट्रीय माता पिता के लिए जो दिवस मनाते हैं हम लोग वो है 1 जून 1 जून। ठीक है, नेक्स्ट 3 जून 3 जून है वर्ल्ड बाइसिकल डे, साइकिल का दिवस है। नेक्स्ट 4 जून 4 जून इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है, खाने के लिए मतलब सभी को जो है एक सुरक्षित खाना या स्वस्थ खाना मिलना चाहिए, उसके लिए 7 जून। 8 जून है वर्ल्ड ओशियंस डे, ओशियन या महासागरों के लिए जो दिवस मनाते हैं वो 8 जून। 12 जून है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो डे मनाते हैं हम लोग, यानी कि बाल मजदूरी बाल श्रम के खिलाफ जो दिन मनाते हैं वो है 12 जून। 13 जून इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, ये एक तरीके की बीमारी है, इसके लिए अवेयरनेस के लिए जो डे मनाते हैं वो है 13 जून। है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व में मतलब जो भी रक्तदान करने वाले लोग हैं उनके लिए मनाने जो दिन मनाते हैं वो है 14 जून 14 जून का। 15 जून है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, जो बड़े लोगों के खिलाफ जो भी अभद्र व्यवहार या अभद्र उनके खिलाफ बातें होती हैं तो वो उसके लिए जो दिन मनाया जाता है वो है 15 जून 15 जून। 16 जून है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, अंतर्राष्ट्रीय जो लोग अपने देश से बाहर रहकर अपने फैमिली के लिए अपने देश में पैसे भेजते हैं तो उसको हम इंटरनेशनल रेमिटेंस बोलते हैं, उसके लिए दिन मनाते हैं वो है 16 जून। नेक्स्ट 17 जून या 17 जून है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, विश्व ये दिवस है किसके लिए है, ये है सूखा और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो दिन है वो है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को। 18 जून है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। नेक्स्ट 20 जून है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, रिफ्यूजी यानी जो लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं अपनी जमीन अपना जायदाद अपना जगह अपना नेटिव जगह छोड़ करके, उन्हें हम रिफ्यूजी बोलते हैं, उनके लिए दिन होता है 20 जून को। 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा या योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 23 जून इंटरनेशनल विडोज डे, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस है 23 जून को। 26 जून इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ड्रग और ड्रग की ट्रैफिकिंग वगैरह के खिलाफ जो दिन मनाया जाता है वो 26 जून है। 27 जून माइक्रो स्मॉल मीडियम सीज्ड एंटरप्राइज, मतलब एमएसएमई, इसके लिए जो डे मनाया जाता है वो है 27 जून। 29 जून इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स, अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिक्स यानी कि जो अपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉन, तो उसके लिए दिन मनाया जाता है वो है 29 जून। उसके बाद 30 जून इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे, एस्टेरॉयड आपको ज्योग्राफी में पढ़े ज्योग्राफी के लेक्चर में देख लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आता है क्या होता है, ये होता है 30 जून को। उसके बाद 30 जून को ही होता है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। ठीक है, इसके बाद 11 जून वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। नेक्स्ट 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, यूथ में क्या स्किल्स हैं उसके लिए डे मनाते हैं 15 जुलाई। 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, हेपेटाइटिस भी एक तरह की बीमारी है, इसके लिए 28 जुलाई। 30 जुलाई वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर लोगों की तस्करी करने के खिलाफ जो दिन मनाते हैं वह 30 जुलाई। 9 अगस्त इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल, अंतर्राष्ट्रीय इंडिजीनियस मतलब जो कहीं का रहने वाला हो अपना कहीं का नेटिव हो इंसान, तो उसके लिए जो मतलब जो चीज़ कहीं स्पेसिफिकली एक ही जगह पाई जाती हो उसके लिए जो दिन मनाते हैं वो है 9 अगस्त 9 अगस्त। 12 अगस्त 12 अगस्त को होता है इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है 19 अगस्त 19 अगस्त वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। 21 अगस्त को है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म में जो भी लोगों की जाने गई हैं उनके याद करने के लिए दिन मनाते हैं वो है 21 अगस्त को। 22 अगस्त को है इंटरनेशनल डे कॉमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ बेस्ड ऑन द रिलीफ एंड रिलीज, जिन लोगों की धार्मिक या फिर जो बिलीफ्स होते हैं लोगों के उसके खिलाफ बात करने पर अगर किसी के खिलाफ वायलेंस हुआ है, हिंसा हुई है, उनको उन लोगों को याद करने के लिए जो दिन मनाते हैं वो है 22 अगस्त 22 अगस्त। 23 अगस्त होता है इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन,
जिन लोगों को पहले, जैसे पहले होता था कि लोगों को बंधक बनाकर, उनको मजदूर बनाकर, उनको अपना दास बना के काम कराया जाता था और एक जगह से दूसरी जगह उनको दास के रूप में बेच दिया जाता था, तो उसके खिलाफ जो दिन मनाते हैं वो है 23 अगस्त। तो ये लाइन से है तीनों, विक्टिम ऑफ टेररिज्म, विक्टिम ऑफ बेस्ड ऑन रिलीजन एंड बिलीफ ऑन स्लेव एंड ट्रेड के एबोलिशन के लिए जो डे है, तो 21st, 22nd and 23rd तीनों। इसके बाद 29th अगस्त है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट करने के अगेंस्ट जो डे मनाते हैं वो 29th अगस्त है। 30th अगस्त है इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, इन मतलब जब लोगों को ज़बरदस्ती कहीं से गायब कर दिया जाता है तो उसके खिलाफ जो डे मनाते हैं वो है 30th अगस्त। 5th सितंबर है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, चैरिटी यानी दान देना, तो उसके लिए 5th सितंबर, इंडिया में आप जानती हैं 5th सितंबर को क्या होता है, कमेंट करके बताइए। 8th सितंबर है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है वो शिक्षा दिवस नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे कि कोई कितना शिक्षित है, लिटरेसी क्या है, तो उसके लिए जो दिन मनाते हैं वो है 8th सितंबर। 10th सितंबर होता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, अंतर्राष्ट्रीय जो लोग आत्महत्या निषेध दिवस जो है वो विश्व आत्महत्या निषेध दिवस 10 सितंबर 10 सितंबर। 15 सितंबर होता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, अंतर्राष्ट्रीय दिन डेमोक्रेसी के लिए या लोकतंत्र के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिन है वो है 15 सितंबर। 16 सितंबर है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेंस ऑफ द ये विजिबल नहीं है ओजोन लेयर, ओके, ओजोन लेयर के डिप्लेशन को, मतलब ओजोन के लेयर को बचाए रखने के लिए उसके लिए जो डे मनाते हैं तो वो है 16 सितंबर। नेक्स्ट है 25 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति का जो दिवस है शांति के लिए वो है 21 सितंबर 21 सितंबर को। 23 सितंबर को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, जो बहुत तरीके के जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से जो साइन पे बेस्ड है, साइन लैंग्वेजेस हैं उन लैंग्वेजेस के लिए डे मनाते हैं वो है 23 सितंबर 23 सितंबर का। 26 सितंबर को होता है इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए जो दिन मनाते हैं वो है 26 सितंबर। 27 सितंबर को होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर। 28 सितंबर इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एसेस टू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन या जानकारी जो है वो सभी तक पहुंचनी चाहिए, उसके लिए जो दिन मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो होता है 28 सितंबर या 28 सितंबर की। 28 सितंबर को ही होता है वर्ल्ड रेबीज डे, रेबीज एक तरह की बीमारी है, ये कैसे होती है आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है 30 सितंबर या 30 सितंबर, ये इस दिन होता है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, ट्रांसलेशन यानी कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना, तो वो ये दिन होता है 30 सितंबर को। नेक्स्ट 1st अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, वृद्ध लोगों के लिए जो दिवस है वो है 1 अक्टूबर। देखिए ये वृद्ध लोगों के लिए है, ना कि वृद्ध लोगों के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने के लिए, तो वो हमने पहले जो पढ़ा था वो वृद्ध लोगों के खिलाफ अभद्र व्यवहार के लिए था, ये वृद्ध लोगों के लिए है। नेक्स्ट 2nd अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का दिवस, और सभी जानते हैं आप इस दिन हमारे यहाँ गांधी जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करा जाता है, तो इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा, और गांधी जी अहिंसा के कितने बड़े प्रतिपादक थे हम सभी जानते हैं, तो इसी दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। उसके साथ ही 5 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड टीचर्स डे, ठीक है। नेक्स्ट 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर या 1st मंडे इन अक्टूबर, अक्टूबर का पहला जो मंडे होगा उसे कहते हैं हम वर्ल्ड हैबिटेट डे। नेक्स्ट है 9 अक्टूबर वर्ल्ड पोस्ट डे, पोस्ट यानी कि डाक दिवस जो है वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर को है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ये होता है 10 अक्टूबर को। इसके बारे में हमें बहुत अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, जैसा कि समय चल रहा है इस समय, तो मेंटल हेल्थ पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 11 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जो बेटियाँ होती हैं उनके लिए जो दिन मनाया जाता है 11 अक्टूबर का। 13 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, डिज़ास्टर या आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो दिन मनाया जाता है वो है 13 अक्टूबर 13th अक्टूबर। 15th अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, जो गांव की औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके लिए जो दिन मनाते हैं वो है 15th अक्टूबर। 16th अक्टूबर 16 अक्टूबर होता है वर्ल्ड फूड डे या विश्व खाद्य दिवस,
नेक्स्ट है 17th अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए जो दिन मनाते हैं, पॉवर्टी या गरीबी को ख़त्म करने के लिए जो दिन मनाते हैं, 17th अक्टूबर या 17 अक्टूबर। इसके बाद 20th अक्टूबर या फिर ट्वेंटी अक्टूबर हर 5 सालों में मनाया जाता है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, तो ये हम लोग या सांख्यिकी बोलते हैं जिसको, ये हम लोग 20th अक्टूबर को मनाते हैं लेकिन हर 5वें साल पे। नेक्स्ट 24th अक्टूबर को होता है यूनाइटेड नेशंस डे, यूएन का डे होता है, यूएन का एस्टेब्लिशमेंट इसी दिन हुआ था। नेक्स्ट 24th अक्टूबर को ही होता है वर्ल्ड डेवलपमेंट इन्फॉर्मेशन डे। उसके साथ ही इसके बाद 27th अक्टूबर 27 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। हेरिटेज के ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए जो डे है वो है 27th अक्टूबर। उसके बाद 31st अक्टूबर को है वर्ल्ड सिटीज़ डे, अंतर्राष्ट्रीय शहरों का दिवस। 2nd अक्टूबर इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिज्म। जर्नलिस्ट के खिलाफ जो क्राइम होते हैं उनके लिए जो दिन मनाया जाता है वो है 2nd नवंबर। 5th नवंबर वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, सुनामी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए दिन होता है वो है 5 नवंबर को। 6 नवंबर होता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। जब भी युद्ध और युद्ध के समय या फिर आर्म यानी कि सेनाओं की जो लड़ाइयाँ होती हैं उनके समय उनको जो है उनके प्रभाव को खत्म कम करने के लिए जो दिन मनाया जाता है वो है 6 नवंबर। 10th नवंबर 10 नवंबर होता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, विश्व विज्ञान दिवस, किसके लिए, शांति और विकास के लिए। इसके बाद नेक्स्ट डे है 14th नवंबर 14 नवंबर ये दिन होता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, विश्व का विश्व मधुमेह दिवस डायबिटीज़ डे। नेक्स्ट 19th नवंबर होता है वर्ल्ड टॉयलेट डे। इसके बाद 20th नवंबर है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। देखिए वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20th नवंबर है जबकि हम लोग चिल्ड्रंस डे कब मनाते हैं 14th को। नेक्स्ट 21st नवंबर है वर्ल्ड टेलीविज़न डे। 25th नवंबर है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरीके के हिंसा को ख़त्म करने के लिए जो दिन मनाते हैं वो है 25th नवंबर 25 नवंबर का। इसके बाद 1st दिसंबर होता है वर्ल्ड एड्स डे। एड्स इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम, ये HIV वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है 2nd दिसंबर 2nd दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी या दास्ता को ख़त्म करने के लिए जो दिन मनाते हैं वो 2nd दिसंबर। इसके बाद 3rd दिसंबर 3 दिसंबर का जो दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, विकलांग लोगों के लिए जो दिवस है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद 5th दिसंबर 5 दिसंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जो दिन मनाते हैं वॉलंटियर्स के वो है 5th दिसंबर 5 दिसंबर 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे या विश्व मृदा दिवस। 7 दिसंबर होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, यानी कि जो उड़ानें भरी जाती हैं हवाई जहाज़ वगैरह से उसके लिए जो दिन मनाते हैं वो है 7 दिसंबर 9 दिसंबर को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम। जेनोसाइड यानी कि एक साथ बहुत सारे लोगों की हत्या कर देना निर्ममता से, उसके लिए उसके अगेंस्ट जो दिन मनाते हैं वो है 9 दिसंबर का। 9 दिसंबर को होता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, करप्शन को ख़त्म करने के लिए या करप्शन को कम करने के लिए करप्शन के अगेंस्ट जो दिन मनाते हैं वो है 9 दिसंबर का। 10 दिसंबर को होता है ह्यूमन राइट्स डे, विश्व जो हमारे लोगों के अधिकार होते हैं उसके लिए दिन मनाते हैं वो है 10 दिसंबर का। 11 दिसंबर को होता है इंटरनेशनल माउंटेन डे, पहाड़ों के लिए जो दिवस है वो है 11 दिसंबर 12 दिसंबर को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी यानी कि किसी भी चीज़ से प्रभावित ना होकर के अपना डिसीजन एक निष्पक्ष होकर दोनों पक्षों को सुनते हुए देना चाहिए, तो उसके लिए न्यूट्रलिटी के लिए जो डे है वो है 12 दिसंबर। इसके बाद 12 दिसंबर को होता है इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, यानी कि पूरे विश्व में सभी की हेल्थ में सुधार हो उसके लिए जो दिन मनाते हैं वो है 12 दिसंबर का। 18 दिसंबर को होता है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, माइग्रेंट्स यानी कि लोग इधर से उधर जो लोग मूव करते हैं अपना घर बार छोड़ के और हमेशा के लिए उन्हें किसी कारणों से अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, उन्हें माइग्रेंट्स बोलते हैं, तो उनके लिए जो दिन में है वो है 18 दिसंबर का। 20 दिसंबर होता है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे,
12 दिसंबर को। ओके, ये तो ये रिपीट हो गए हैं। चलिए 20 दिसंबर तक ही है इंटरनेशनल सॉलिडरिटी डे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इस सीरीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, आपके सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये पसंद आई हो, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।